जुगाड़ी फेरे 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 जुगाड़ी फेरे। आओ भगत बैठो बैठो, नमो नारायण हर हर सम। बैठो बैठो भगत बैठो। कैसे परेशान लग रहा है बहुत ज्यादा? बाबा हद से ज्यादा परेशान हूँ। क्या बात है बाबा? आधी तो उम्र निकल ली। अच्छा, अभी और पता ना कितना समय लगेगा मेरे ब्याह में। अच्छा, मम्मी के सेवा के लिए बहू लाएगा? बाबा आप तो महान हो, आप तो अंतर्यामी है। काम करना पड़। हाँ बाबा, अंतर्यामी हम ना है, जाके भैरव जी के दर्शन करो। अच्छा। पहले चोला चढ़ा बाबा। ब्याह भी होगा, बहू भी बढ़िया आएगी, नाम भी रोशन होगा, सब कुछ होएगा। ठीक है बाबा। माथा टेको। ठीक है बाबा। कल्याण होगा, जाओ। ठीक है बाबा, नमो नारायण बाबा। अरे कैसे आके खुशी के चक्कर में नारियल प्रसाद छोड़ के जा रहा है? भाई आधी जिंदगी तो निकल ली, और पता ना कितनी बाकी है। पर यूं तो मुझे पता लग गया, जितनी भी बाकी है वो लिगड़े के बगैर वीर बनने गई। तेरे चक्कर में तो मैं भी रणुआ मरूंगा दिखे। अरे क्यों बुढ़िया? अरे पता ना इस बुढ़िया की और कितनी सेवा करनी पड़ेगी, जब से बापू मरा खाट पे पड़ी है। पहले बापू को तो फिक्र रही, अब हमें कर रही है। अरे ऐसा क्यों कर रही है तू बुढ़िया? अरे पता नहीं बुढ़िया कद मरेगी, ऐसा जी करे इसका गला घोट दूं। अरे कद मरेगी तू बुढ़िया? बेटा तू फिकर ना करे, अब मैं ठीक हूँ, तेरे बच्चों को भी स्कूल छोड़ने मैं ही जाऊंगी। अरे बापू मुझे तो एक बात बता, जब तू ऊपर गया तो इसके कान निकाल ले गया था के? इसे सारी को ले जाता, यू हमें दुखी रखे। बापू तो खुद मुश्किल से पीछे छुटा के भाग गए। सही कह रहा तू। मामा राम राम। राम राम भाई, और क्या हाल है पप्पू? बस मामा मैं बढ़िया हूँ। यो क्या लाया थैले में? मामा राम राम। राम राम भाई, राम राम। यो हाथ में क्या ले रहा मामा? अरे तेरा एक भैया और हुआ है, उसकी खुशी में मिठाई लेकर आया हूँ। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है।
तूने मेरा पीहर लौंडो से भर दिया। चला जा अपने घर को। अब खड़ा होकर मेरा मुंह के देख रहा, बाल निकल जाते। के बात होगी, अपने आप तो बालकों की लाइन लगा रखी और मारा ब्याह भी ना करवा रहा। तू तो सब ऊपर वाले का करम है मामा। अब ऊपर वाला कमरा भी किराए पर दे दिया के। अरे मैं किराएदार की बात ना कर रहा हूँ, भगवान की बात कर रहा हूँ। अरे मामा तू अभी तक यहीं खड़ा, बाहर निकल ले। अरे भाई तेरा रिश्ता भी लेकर आया हूँ मैं। लड़की पढ़ी लिखी है। अरे मामा कैसी भी हो चलेगी, बस एक बार ब्याह करवा दे। सोमवार चलना लड़की वालों घर, तू तैयार रहिए। अरे मामा सोमवार क्या क्या करना, आज ही निकल ले। ये जो साले हमारे गांव में भांजी मारने वाले हैं ना, इन्होंने हमारा नाश कर रखा, एक काटूंगा घेर के। अरे तू टेंशन मत ले, इस बार काम बिल्कुल पक्का है। यूं तो मामा तू हर बेर कह रहे, पर अब की बेर रिश्ता ना हुआ ना फिर तू देख ली क्या होगा। हाँ भाई बारे मोहल्ले में तो दावत रहेगी सबकी, और परले मोहल्ले में खसू की, और सेठ सारे रहेंगे और पाले को भी कह देंगे। हाँ कोई दिक्कत ना। हाँ और बैंड करेंगे भारत वाला, भारत बैंड क्योंकि पता है राजगीर के भैया मूवी बजा कैसे लोग लोट लोट के नाच रहे थे। और दारू चलेगी दबा के भाई, स्टेज शो भी बुक करवा लियो, उससे नचावेंगे हरियाणा की एक नंबर की डांसर जो है वो। अरे तू मजाक उड़ा रहा मेरा, तो खुद उड़वाड़िया है, रिश्ता तो पक्का हो जान दे पहले। अरे भाई ब्याह हो जाएगा, रोटी बनाने से तो पीछे छुट्टी जाएगा। बात तो तेरी ठीक है पर मामा पे मुझे विश्वास नहीं है। अरे विश्वास है क्यों नहीं, अब कहता मामा पक्की हाँ कर गया। ऐसी हाँ तो वो हर बार भर जा, पर तेरा मांग भरने का नंबर आया अभी तक। चल मांग भरने को तो छोड़, किसी छोरी वाले ने तेरे हाथ पे 10 रुपए भी रखे उसके कहने से, देख ले चाहे तू इब होगा अब कभी ऐसा ही। अरे ओए एक बार साइकिल रोकिए। अरे मन्ने तुझे कितनी बेर कही है ठीक ठीक बोल जाकर, काली जुबान के तेरी काली जुबान है। मैं क्यों होता काली जुबान का, तू है काले नसीब का आदमी। तेरे चक्कर में मुझे और रनुआ मरना पड़ गया है, अगर इन चवास्तों में तेरा भी ना हुआ ना तो मैं भी किसी की छोरी भगा लूंगा, फिर चाहे तेलू भाई अयो या मत अयो। साले तुझे लग रही ब्याह की आग। हाँ हाँ समझ गया, ऐसा है शाम होली घर को चल, तुझे रोटी सेकनी और मुझे दूध काढ़ना। चल चैन उतर गई, काटू आई सुसरी का रोग में, एक बार हजार दे भैया। चाची अरे चाची, अरे चाची थारा भक्ते, अरे चाची थारा भक्ते। अरे इतना परेशान क्यों हो रही है, जैसे सांप ने काट लिया हो। काली जुबान पे जानवर। अरे मेरा लाल साले है ना तू काली जुबान का। अरे के कर रहा मित्र। अरे रिश्ता करने जा रहे हैं, लड़की ब्याह के न लाने के आज, जो इतना सज्जा दिया जल्दी मरिए बाहर को। आलिया मामा जी। मामा इसका मन ना दिखे रिश्ता करने का, एक काम कर तू इसे छोड़ मुझे ले चल, मेरा करवा तू रिश्ता। ठीक करा तो बिल्कुल। चलो मामा जी। मामा जी अरे उस दिन तक घर से लिखा तैयार हो रहा था, आज मामा जी। मामा जी आज तो तुम इस काम को पक्का करवा ही दो, मैं तुझे सांझ को दारू पियूंगा। और कहीं पक्का ना हुआ तो साले काली जुबान के चुप हो जा, अरे सब विमान को बंद कर ले। अरे लड़ो मत ना, चलो। हाँ हाँ मामा जी आओ। राम राम लो जी बिस्कुट खाओ।
और बताइए फरजान जी, कोई आने में दिक्कत तो ना भाई? अजी कैसी बात कर रहे हो, यू गांव तुम्हारे बचपन का देखा हुआ है? तुम्हारे गांव में भी है ना मांगेर, उनके यहाँ हमारे चाचा की साली भी आई है। क्या काम करते हो बेटा? मैं तो जी खेती का काम करता हूँ, और जो मेरा खेती के काम में मन ना लगता ना, तो मैं ईंट के भट्टे में चला जाता हूँ। अरे ये तो अपने चक्कर में लग गया। अजी आजकल एक कमाई से काम कहाँ चला है, महंगाई इतनी है। हाँ जी सही बात है, और ये कौन है? अजी ये तो राजिंदर, मेरा बड़ा भांजा। अच्छा मुझे लगा ये लड़का है। मैं भी लड़का ही हूँ जी। अरे बेटा मैं शादी की ही बात कर रहा हूँ। ये छोटे वाला आज प्रकाश प्यार में सब पप्पू गए घर में से। चाय लो जी। लो मामा चाय। और बताओ बेटा क्या क्या शौक रखते हो? अजी हमें तो कमाई से ही फुर्सत ना, और शौक कोई हमने पालना रखा। हाँ कभी कभी यार दोस्त की शादी में एक आध पैक जरूर लेता हूँ। यार दोस्तों की शादी या उनके बालकों की शादी? इतना तो दवाई के तौर पे सभी ले लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। और कितनी कमाई हो जाती है महीने की? देखो जी जमीन तो हमारे ज्यादा है, अब जितनी भी है उसमें यार घम चावल बोले हमारे घर का खर्चा हो तो चल जा, बाकी हम दोनों भाई भट्टे पे काम करें, 12-15 हजार रुपया घर बैठे मिल जा, खर्चा हमारे कोई है नहीं, वही बचत ही बचत ही। मेरी भी कमाई जोड़ ली। शहर में रहने वाले क्या बचा पाते हैं, तुमने तो फिर भी बचा लिया। एक परचून की दुकान भी खोलना चाह रहे हैं जी हम दोनों भाई इस गांव में। बहुत बढ़िया, देखो जी हमें तो पूरी तसल्ली है। तो करो मुंह मीठा और करो ब्याह की तैयारी। देखो जी आपकी कोई मांग तांग तो नहीं है? देखो जी जो बात है सामने हो जानी चाहिए। अजी ऐसी मारी को मांग तांग ना है, पर बिना लिए दिए भी कोई ब्याह हो, गांव समाज में हमें मुंह दिखाना पड़ेगा। ज्यादा मत करियो, बस एक बुलेट का जुगाड़ कर दीजिए। अच्छा तो तुम्हें बुलेट भी चाहिए? ये रिश्ता टूट गया ना मामा तो तुझे इसी गांव में दफना के जाऊंगा मैं। मेरे भांजे अच्छा कमा रहे हैं। तो बंद सीधी बुलेट चाहिए तुम्हें? अरे मुझे ना चाहिए बुलेट, अरे भाग ले। अरे तबीयत से पिटाई कर दी उसने। अरे मामा किस बात का बदला काट रहा तू मेरे से? मामा ने क्या गलत कह दिया, बुलेट तो मिलनी चाहिए। साले बुलेट जरूरी है, लुगाई जरूरी है। अरे वे आदमी ठीक ना थे? अरे मामा वे आदमी ठीक थे, तू ठीक ना पाया। मैं तो पहले ही कह रहा था कि बात ना बनने की। साले काली जुबान के चुप हो जा, सब विमान को बंद कर ले। भाई ब्याह से दुआ करा सकूं? मामा चाहे पाकिस्तान चला दे पर हमारा ब्याह करवा दे, अब बगैर लुगाई के गुजारा नहीं हो रहा हमारा। मामा भाई साहब ठीक कह रहे हैं। तो रुपए लगेंगे 20,000? 20,000 मामा, इतने 20,000 में दोनों की आ जाएगी? एक की मामा, इतने पैसे तुम्हारे पे है नहीं, मेरे पास 10,000 है और मेरे थोड़े 8,000 है। अरे मैं तो नूके हूँ, अपनी कमाई को महंगाई को तुम जाने हो, दोनों मिल गए एक ले आओ। इस बात की मामा ठीक कह रहा है, खर्चा भी कम हो जाएगा और जो रोज राड रहे ना न्यारे होने की वो भी ना होने की है। मारे दो 20,000 भी पूरे कहाँ है? तो 2,000 की कमी है, मामा भाज में दे देगा। मेरा भी जान ना भैया 2,000 का भी। मामा जो तेने 2,000 रुपए दी ना तो फिर तो पता तुझे मैं कैसा हूँ। अरे यार तो मुझे एक हफ्ते का टाइम दे कम से कम। मामा एक हफ्ते में लुगाई आ जानी चाहिए, ना तो फिर घर जाने लायक ना रहने का तू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मेरा काम तो पॉकेट में हो ही दिया है। चल मामा बीड़ी बीड़ी धरी है यहाँ। अरे बालक आए ना, कितनी देर हो रही? अरे आ जाएंगे, मिठाई लेने गए होंगे। अरे आग लगे तेरी जबान को, लंका जाने क्या क्या बोलती रहे, ब्याह भी होगा और मोटरसाइकिल भी मिलेगी। मोटरसाइकिल तो हमारी गुड़िया दूध की है। बैठो मामा आओ।
अरे लाली वो रिश्ता हमारे लायक ना है, हम तो सब मना कर ही आए। बाकी एक रिश्ता और है, एक हफ्ते के भीतर भीतर ब्याह हो जाएगा। कहाँ की है लड़की? बिहार की है। खर्चा 20,000 रुपए और बहू घर में। और 20,000 रुपए का जुगाड़ भी कर लिया तो मैं फिर बुलावा दिया हूँ कितों का? हाँ दिया। और तुम भी ब्याह की तैयारी करो भाई। हाँ, सही कह रहे मामा। राजेंद्र तू बता सिलिया कितों के लिए? हाँ हाँ। लड़ाई मत करना, अच्छे से शादी करके आना। होमा क्या कहते हैं? है पहलवान का ब्याह हो रहा है। उसका तो साल में 3 बार हो गया है। जब बहू आवेगी तो हम भी देख लेंगे। अरे नहीं यार, इनके सही में हो रहा है। हो सके भाई, हो ही रहा हो। क्यों भाई, तुम होने नहीं देते क्या पहलवान का ब्याह? हमें क्या एतराज होता है उसके ब्याह से, हमें तो दावत ही मिलनी है। अरे दावत तो मिले ना किसी को भी। क्यों? अरे बिहार से लिवा के ला रहे हो कहीं उसको मामा? तेरे की यार, तो दावत भी गई, लेक भी गया। अरे उसका ब्याह हो रहा है वही बहुत है। वैसे करम तो उसके ब्याह वाले हैं नहीं। हाँ तेरे बहुत अच्छे करम है ना, तू भी तो लाया था लुगाई। वो तेरे में थमी ना, वो अलग बात है। वो छोरी सही ना थी, मैंने तो भगाई वो। बस रहन दे, थाने में पिटा तू 3 दिन, भगाई भी तन्ने। शुक्र मान लल्लर मदान का जो छूट गया, वरना लंबा अंदर जाता। अरे ये सब अफवाह है। अरे कालू दादा तू भी चला जा राजेंद्र के मामा के गैल, लगे हाथ में तू भी लेता ही हो एक। बताओ साले तुझे भी। आ जाइए शाम को, सत्तू बटेगा। तू भी आ जाइए और तू भी आ जाइए। इन्हें दे दो बालू साई। मेरी भी बहू है, बिना पैसे के मुंह ना देखन दो। हाँ ओ भैया बुग्गी वाले, तू थोड़ा जल्दी ले चल। अरे बाल को देख कैसा लग रहा है कि बहू को ही तार लेंगे। अंकल जी चल तो मैं आऊँ, रास्ता थोड़ा सा खराब है। अंकल क्या कह रहा? दम मार वो रैप जा। अभी 8 दिन पहले तो इसका 11 रुपया बच गया और 8 घंटे पीछे 12 रुपया होगा। पंडित जी देखी तो जरा, फुल्लू के छोरे बहू ले आए। सारे गांव में हो रखी है, यू है ना इनका मामा जगते। यू लाया कहीं बिहार से ब्याह के। यो बात तो ठीक है, फुल्लू फुल्ला बनने बैठे बहू ले, यो का चक्कर है भाई। ये बात तो मेरी भी समझ में ना आई। तो गड़बड़ है।
अरे चलो 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 बेटी, ते पैर से ना इस लोटे को पैर लगा के अंदर आ जाना। पप्पू की बहू कहाँ है? ये तो राजेंद्र की बहू हो गई। पप्पू की बहू कहाँ है? दूल्हे दो बने खड़े हैं, बहू एक ही है। अरे राजेंद्र, ये कौन से की बहू है? मेरी बहू है। मेरी है? साले मारवा रह पे, तेरी क्यों है? मेरी है। पैसे मैंने जल दिए। मेरी बहू है। मेरी है। अरे लड़ो मत ना, दोनों की है। ओए मामा, बकवास ना करेगा, बोल गया मेरा ब्याह। ये क्या ठोक दूंगा ये मिनट में। लड़ो मत। ब्याह करा के लाए हो? क्या करा के लाए हो? इन्होंने तो मेरी कभी फेल कर दिया, दोनों एक नहीं ब्याह लाए। अरे जगते, यो के राड का बीज बोया तन्ने भांजे के घर में। अरे तो कंस भी माफ कर दिया। अरे ये तो हो गया मेरे बड़े बेटे का। जगते, मेरे पप्पू की बहू कहाँ है? अरे जगते, माथे में हाथ क्यों मार रहे तू? अरे दोनों की बहू एक है। मामा ने तो नाश कर दिया हमारे घर का। अरे चलो कोई बात ना, रोटी पानी के लिए बहू तो आ गई घर में। ये अच्छा गांव की इज्जत में चार चांद लगाए इन्होंने, मेरे बस की ना यार, रुकना, मैं तो चली। चलो चलो। अरे अभी कहां जा रही हो, बहू की सारी रस्में बाकी हैं। खुद ही कर ले, मारे बस की ना, हम तो चले। अरे कहां जा रही हो, चलो चलो। आ रही यार, चलो चलो। अरे सारा फैसला ही करोगे दरवाजे पे, अंदर चलो। चलो अम्मा। मामा तू वो फैसला करवा दे, यो बहू दोनों में से किसकी हुई? अरे किसकी के, मेरी है। पैसे मैंने ज्यादा दे रखे। पैसा तो मैंने भी दिए, तेरे अकेले कैसा हो गई? मेरी है मेरी। अगर मेरी बहू की ओर आंख उठा के देखा ना तो आंख को फोड़ दूंगा साले की, फोड़। अरे लड़ो मत ना, तू रोक लेगा? रोक लेगा? मैं रोकूंगा, अभी रोकूंगा। रोक के दिखा। अरे यू फैसला ऐसा ना होना का लड़ाई से, यू तो बैठ का मसला का हल करना पड़ेगा। तो तू कर मामा फैसला, यहाँ इसका काली जुबान क्या, खून तुझे मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। अरे ओ ठंडे रहो, ऐसा करो एक जना रख लो रात में बहू को और एक जना रखो दिन में। तो ठीक है मम्मा, हो गया फैसला, रात की रहेगी बहू मेरी और दिन में तेरी। अजी हाँ, रात में रहेगी मेरी और दिन में रहेगी तेरी। ऐसा कैसे हो जाएगी, दिन में है तेरी, रात में मेरी। पैसे मरने ज्यादा देखे, ऐसा रात की रहेगी मेरी। ऐसा तो मामा ने भी 2000 रुपए दिए थे, एक दो घंटे को तो फिर इसकी भी होनी चाहिए। ओ भैया ओ भैया, अरे मुझे ना चाहिए मेरे पैसे, तो भाता मान लीजिए। अरे मम्मा, तू भी हिस्सा लेना मान रहा था क्या?
खूनम खून कर दूंगा, खूनम खून। मामा मैं कुछ नहीं जानता, रात मेरी रहेगी बस। ऐसे कैसे रह जाएगी, बहु रहेगी रात को मेरी, पैसे मेरे जाते जा रहे। ओ पप्पू, ओ पप्पू, ये राजेंद्र सही कह रहा, इसने पैसे जाते दिए हैं, यू तेरे से बड़ा भी है तो रात को रहेगी इसी की। हाँ, यू हुई बात, इसी बात पर तू बीड़ी की। कहाँ से ले आया बीड़ी? बीड़ी चुराया कर लाया वहाँ से, और ले एक बीड़ी, तू भी खुश रहे। रोने जैसा मुँह कैसा बना रहा, अब खुश हो। जान सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था। अरे तू अपना पैक ले। अरे मामा तुम जब एक उठ समझ रहा, मैं आज के दिन भी दूंगा, मैं फिर लौट जाऊंगा। तो यहाँ का धार ले रहा है जानदर? जा रहा हूँ, जाऊंगा जाऊंगा और जाऊंगा के जा ही रहा हूँ बस। वो सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, कहीं सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हो मामा देख रहे ढंग इसके? अरे तू चिंता मत कर, और क्या नाचू मैं? ले तू ये पैग ले। तू तो पीता ना कहिए यार। मामा अगर ब्याह के बाद पहली रात अगर तेरे साथ काटनी पड़े ना तो दारू पी के काटी जा सके। चलते एक पैग और ले ले। भाई इस बहू का मुझे कुछ सुख नहीं, 8 दिन हो गए इसकी शादी को, एक गिलास पानी नहीं दिया इसने मुझको आज तक। अरे तू मरी प्यासी, अपने आप उठ करने लगती, अब तो तू खूब चल फिर रही है। इसके घर वालों ने कुछ सिखाया ना इसे? एक बाल्टी पानी ला देना जी। बात सुन ले, मैं अपने छोटे भाई का हक नहीं छीन सकता, देख मैं तो इसकी है, इससे कह दो काम करना, मेरे तो किसी वक्त ही है। एक बाल्टी पानी ला देना जी। हाँ मजदूरी के नाम पे तो दिए थे मैंने 8,000 रुपए, दूंगा पानी भी। लो ये रहा तुम्हारा पानी, अपना काम खत्म करो, मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे रोटी ले आना। ओ नवाब साहब अंदर कहाँ जा रहा, जाकर नहा ले दूधी जाना, भीतर रोटी बन रही है, देख मैं नहा भी लिया हूँ। मैं न जाने का ड्यूटी, मेरा बदन सा टूट रहा है। ए भाई तेरे कौन सा बालक होने वाले जो तेरा बदन टूट रहा, सारे बहाने बाजी छोड़ और जल बूटी चल ले। हाँ तेरी कोई सरकार चल रही है, तेरे कहने से होंगे सारे काम, ना जाने का तो ना जाने का दूजी। ऐसे कैसे ना जाने का, दूजी तो तेरे जाना पड़ेगा, क्या साले बांध के ले जाना पड़े? राजेंद्र आज मेरी तबीयत बहुत खराब है भाई, आज तू ड्यूटी मत जा, तू यहीं रह। अरे
ऐसे तो मेरा मन ना, पर तू कह रही है तो बाद में रुक ही जाता हूँ। जा रे ड्यूटी जा, माने मना करा मुझे ड्यूटी जाना था। तो ड्यूटी जाना, मैं रुक रहा हूँ ना। माने मुझे कही यहाँ रुकने की, देना की इतनी भी तू माँ की ना सुनने वाला, मुझे पता क्यों रुक रही है तू। जा चले जा, मुझे कुटी को मारूंगा साले को। जा ड्यूटी चला जा। जाएंगे तो दोनों जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। और तो तेरे खड़ा क्यों है यहाँ, जाकर नहा ले या बगैर नहाए ही जाएगा। अब तेरा ब्याह होगा, रोज नहाकर चल। क्या होगा, जान उतर गई इसकी। मुझे तो इस रेल में ही आग लगानी पड़ती थी। ठीक करवाने से तो क्या गया, आ गोटे थे इसमें, फिर से ही पैदा। तू भी दे पैसे कमा रहा, तू करवा ले ठीक है। और भाई पप्पू, तेरा एक आदिन नंबर आया है ना। वो पंडित है, समझा ले से लपेट गई। अन्ने से ऐसा लपेट हुआ, ऐसा लपेट हुआ कि जिंदगी में कभी नहीं सुने। और सुन, ये जो वीर बनी जैसे बाल ले रहा है, मैं पैर के इसके मुंह में दे दूंगा। ए लपेटे, तू कुछ पागल वागल लग के। चल भाई, यू राजेंद्र ने ना पप्पू का पागल बना रखा क्या, वहां से पैसे भी ले लिए, बहू भी हथियार ली। जुगाड़ से वो ब्याह भी तो ऐसे ही होवे, और यू ब्याह भी तो एक जुगाड़ ही है। चल भाई। सच कह रहा हूँ पप्पू, तू हमारी गल बचपन से खेला करे, जब चचा जिंदा थे, जब ही से हम तुझे अपना दोस्त माने। तेरा भैया वो राजेंद्र, उसके चक्कर में तेरा ब्याह काफी लेट हुआ है। अरे ऐसे कैसे ब्याह कह दें, हमारे भाई की जिंदगी नाश कर दी राजेंद्र ने। बस यार, अब तो रात को मुझे नींद भी ना आती, इसी मारे में गांव में घूमता रहता हूँ। तुमने हाँक मारी तो थारे दौरे आ गया। पप्पू भाई तू परेशान मत हो, ये तो बीड़ी पी, तारा फैसला हम करेंगे। सही कह रहे हो तुम, इस राजेंद्र की वजह से तो मेरी जिंदगी भी एंड हो गई। देख भाई, ये थारे घर का मामला है, मारा बोलने का कोई हक ना है, पर फिर भी तुम्हारे दोस्त जैसा है, इसलिए सलाह तो तुझे देंगे, पर करनी तो तुझे ही पड़ेगी। और फिर देख, राजेंद्र लुगाई का हाथ तेरे हाथ में ना दे दे तो। ऐसा कोई तरीका हो तो बताओ भाई। ऐसी बात फ्री में ना बताने की, दावत लगेगी। देखो, अगर सुबह को लुगाई मेरी हो गई ना, तो शाम को अंग्रेजी दारू और देसी मुर्गे की दावत, वो भी छक्के। तो फिर कर कानूरे को। अरे वाह, ये तो बड़ी गजब की योजना, और ये तो कभी फेल भी ना होने की। सुबह जैसा जैसा बताया वैसा वैसा ही करियो, और फिर देख लुगाई परमानेंट तेरी। ठीक है भाई, अब चलूं मैं। पप्पू दावत का ध्यान रखियो। बिल्कुल। राजेंद्र, ओ राजेंद्र, मैं जल्दी बाहर निकल, खेत पर जाना है। आज बहुत जल्दी लग रही है खेत पर जाने की। जब से तेरा ब्याह हुआ ना, जो तो खेत के काम की चिंता ही ना। शाम को 6 बजे भीतर पड़ जा और सुबह 8 बजे बाहर निकल जा। अब खेत खलियार की भी चिंता कर लिया कर। इतनी चिंता तो तू अकेला चले जाना खेत पे। हाँ, मुझे पागल मान दिया जो मैं अकेला चला जाऊं। चल जल्दी जा, सीधा होला और मेरे साथ चल। चाय तो पी लेने दे। मैं चाय वहीं आ जाएगी, चाय के चक्कर में कभी दोपहर करता हूं। चल चल चल, हाँ फावड़ा चल।
ओए ओए भैया बैठने के लिए ना लाए यहाँ, खड़ा हो ले। अरे नींद सी आ गई थी यार, रात कहाँ गया था, रात ना सोया? तू धार ले, मैं सोऊं या ना सोऊं? हाँ बेटे अब तो मैं धार ही लूंगा, जल्दी से खड़ा हो ले और काम कर जा। आज तो तेरी ऐसी रेल बनाऊंगा ना। अबे जल्दी कर, अरे मरा तो क्या कर रहे हो? ज्यादा मालिक बनने की कोशिश तो करे मत ना, कर से रहा हूं। थोड़ा सा काम ना हुआ भी, चल जल्दी कर। देख फिर घर जाने लग रही। माँ जी, माँ जी। हाँ। खाने में क्या बनाऊं? थाने जा रही है? क्या हो गया? राजेंद्र ने कुछ कह दिया? माँ मैं तो कह रही थी खाने में क्या बनाऊं? इस बुढ़िया को जहर देना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे जीने नहीं देगी। पानी। क्या हुआ, इन्हें क्या हुआ? थोड़े से काम करने में हालत खराब हो गई इसकी, काम चोरी कर रही आयो, और कुछ ना, फालतू के बहाने हैं इसके। लो पानी पी लो, लो पानी, पानी पी लो। सारे तेरी वजह से हुई मेरी ये हालत। तू इतना कमजोर कैसा हो गया? वैसे तो 20-20 बंदों से अकेले लड़ने की बात करें, आज तेरे कुत्ते कैसे फेल हो गए? साले चला जा, नहीं तो कुत्ते फेल कर दूंगा। पहले अपने आप को तो ठीक कर ले, चला जा साले। गुस्से में है क्या? खाना तो तुझे खाया ना जाता, खेतों में इतना काम करके आए हो क्या, थक गए हो क्या आज? इतनी जल्दी निकलने वाला राजेंद्र, 60 हाउस पर का ट्रैक्टर भी उल्टा खेल दूं मैं। अच्छा जी हाँ। वो तो दिख रहा है, अब सो जाओ और हमें भी सोने दो, मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा काम कर करके। बस चलो जी, मेरी बात तो सुन ले। क्या सुनूं? जा उस माँ को सुना। माँ ने कुछ कह दिया क्या? वो क्या कहेगी, उसे तो खुद सुनाई ना देता। और एक घंटे बाद तो निकल गए, गली में को भागे जल्दी चल।
भाग गए साले। पर तुझे कैसे पता है? तुझे तो घर की कोई चिंता है ना, शाम होते बढ़ जा घर के भीतर, मुझे तो घर बार सब देखना। अरे ऐसी कोई बात ना, चिंता तो मुझे भी है। एक काम कर, तू बाहर सो जा, मैं भीतर सो जाता हूँ फिर। ना ना, ऐसा नहीं होने का बिल्कुल भी, सोऊंगा तो भीतर में ही। ना होने का तो ठीक है, फिर तू ही सो जा भीतर, चल मर जा बाहर अंदर को। सामने टिक सके कोई, मुझे देखते ही भाग लिए। अगर साले मिल जाते ना तो फाड़ देता फाड़। देख के तो ऐसा लग रहा है कि चोर ने उल्टा दौरा दिया तुम्हें। जी हाँ, ये तो खेत में सुबह से शाम काम करते करते थोड़ा थक गया, भाग दौड़ गई। आजा तू मेरे घरे, आजा आजा डार्लिंग। सो गया था के, फिर आ गए थे चोर। फिर अब कहाँ गए? घर में आने की कोशिश कर रहे थे, पलटू घर की तरफ को भाग गए। अरे भाग के तो सो जा। ऐसे कैसे सो जा? फिर आ जाएंगे तो, मुझे तो लग रहा इस बार पूरे पक्के प्लान जाए थे। चल जल्दी भगा के आएंगे। अरे जाके सो जा, डर गया दिख के। चल जल्दी। हाँ, चल चल चल। दे रहा था जी, इसने मुझे बाहर छुड़ा रखा था। अनु कह रहा था कि अगर चोर आएंगे तो रुको तार दिए, बाकी मैं देख लूंगा। मैं क्या झूठ बोलता? तू सोएगा बाहर और यू सोएगा अंदर। भाई साहब पैसे मेरे ज्यादा जा रहे हैं। तेरा फैसला तो हम करेंगे। साले तुझे किसने हक दिया हमारे घर के मामले में बोलने का? हे रुक जाओ, ससुर के नाती अभी आई। मैं अंत मार दूंगा। अरे तुझे क्या जरूरत थी आने की, हम ही बता रहे थे। अरे चलो राल। साला मेरा प्लान ही फेल हो गया। वा, 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 वा।
अरे इतने आदमी क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? कोई मर गया क्या गांव में? बहू उसने बहरी ना चुप कर ले। थाने में रिपोर्ट करेंगे हम। अरे के ले गए 20,000 रुपए और एक सोने का पेंडल था, हम तो लूट गए प्रधान जी। रे क्यों झूठ बोल रहा है भाई है? तुम दोनों पे इतने पैसे होते तो एक की लुगाई क्यों लाते भाई? झूठ बोल रहे हो? अरे हमें तो इतने गिरे हुए मान रहा के, हम ज्यादा खर्चा ना करते, कम खर्चे में काम चला मैं। जबी तो तन्ने इस पप्पू का सारा मार रखा है, मेहनत तो करो यू सारा दिन अकेला और मलाई खावे तू। अरे ओए तुझे किसने दिया हमारे घर के मामले में बोलने का? यो सही कह रहा, जो तन्नर तेरे मामा ने मिलकर इसकी जिंदगी में जहर बोया ना राजिंदर, वो सबने दिख रहा है। मैंने लोग चोरी की शिकायत के लिए बुलाए, फैसले के लिए बुलाए। अरे चोरी हुई कहाँ है? हमने तो सुना है तुझे ही पी गए, तुझे तो बचाया भी तेरी लुगाई ने, वरना तेरा बाजा सपाड़ देते। अरे तुझे पता चोरी हुई ना हुई? पप्पू से पूछ ले। हमें पप्पू ने सब पहले बता दिया था। देख भाई कहीं मैं ही नहीं हो सकता ना इसकी लुगाई दे रखी है, ना तो इसके पैसे वापसी कर रहा, अब ना ही कोई हक दे रहा। ऐसी कोई बात ना प्रधान जी, जो फैसला मामा ने करवाया था मैं उसी बेटी का हूँ, मैं बगैर मामा के कोई बात नहीं करूँगा। बुलाओ फिर उसे भी। मामा तो परसों की आने को कह रहा है। ठीक है पप्पू, हम फिर तेरा फैसला परसों ही करेंगे, पंचायत घर में पंचायत बुला देंगे, तू चिंता मत मानिए। हम सब पुराने दोस्त हैं, हमारे साथ जो चल रहा है ना उसका हम सबको बहुत दुख है। पप्पू की हालत का बदला तो हम ले लेते, और उसकी लुगाई तो पूरी लठैत निकली। जब उसके खसम पर हाथ उठाओगे साला तो मारेगी ही। अरे खसम तो उसका पप्पू भी है, उसकी चिंता तो ना करी उसने कभी। राजेंद्र ने पट्टी पढ़ा रखी है उसे। मुझे तो नू लगे कि राजेंद्र ने उसे फैसले की बात बताई ना। क्या होगा कि अब तू बस मारी लुगाई है, पप्पू का कोई लेना देना ना है। कुछ भी हो अब बहू रहेगी रात में मेरी, और के हम तेरे साथ हैं, फैसला भी प्रधान जी तेरे हाथ में लेंगे। चलो अब मैं चलूं, मेरा चल रहा खेत में पानी। अरे पप्पू जब तेरा खेत भर जाए ना तो मेरा भी खेत भर दिए। ठीक है, ये सही शाम जुड़िया गांव में, फैसला हो ना हो मजा पूरा आ रहा है। सालों ने दोनों ने एक ही रख ली, गांव का थिएटर बना रखा है। अब मजा आएगा परसों पंचायत में। प्रधान जी राम राम। राम राम। अरे क्या हाल है पप्पू? बस प्रधान जी आपका आशीर्वाद है। आशीर्वाद हमारा कहा, आशीर्वाद तो तुम्हारे मामा का है। आया हो ना? आया मामा तो वो बैठा। चलो राम 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 राम। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो हाँ भाई पप्पू बता क्या बात है? देख बात तो मुझे पता है, पर मैं यूं चाह रहा हूँ कि यूं बात सारे गांव के सामने आनी चाहिए। प्रधान जी राजेंद्र के ब्याह में बहुत सी अड़चने आ रही थी, उम्र निकलती जा रही थी, अब मारी वाली स्थिति के बारे में तो आपको पता ही है। मेरे ब्याह के तो कहीं से कहीं तक भी आसार थे नहीं, फिर मामा ने 20,000 रुपए में बहू लिवा के लाने की बात बताई, फिर मामा और राजेंद्र के कहने पर साझेदारी के नाम पर मुझे 8,000 रुपए देने पड़े। साझेदारी? अरे कैसी साझेदारी? बहू लाए के स्कूटर कि जिसका जी करा ले चला। मामा ने कहा था कि दिन में तो रहेगी तेरी बहू और रात में रहेगी राजेंद्र की। क्यों भाई रात में राजेंद्र के पास क्यों रहेगी? देख साला प्रधान भी मजे ले रहा है, सब कुछ पता है फिर भी पूछ रहा है। सही कह रहा है तू। मैंने तो मामा से कहा था कि रात में बहू रहेगी मेरी, लेकिन इस बात पर राजेंद्र अड़ गया। वो बोला कि नहीं रात में रहेगी मेरी क्योंकि मैंने तो घने पैसे दे रखे हैं। अरे ऐसे कितने घने पैसे दे दिए इसने? प्रधान जी 10,000 रुपए। और बहू कितने की आई? बहू आई 20,000 की। घने कैसे हुए? 10 तो दिए तन्ने
और 10 दिए इसने, तो बात तो बराबर हुई ना जी। मैंने तो 8,000 रुपए दिए थे। इसका मतलब कोई तीसरा साझेदार भी है वो? कौन है वो? जी यो है ना मारा मामा। बहुत बढ़िया ना प्रधान जी, मैं ना साझेदार, मैंने तो रुपए भात में दिए। शर्म तो आई ना होगी तुझे अपने सगे भांजों की जिंदगी खराब करते हुए। हाँ बे पप्पू, अब तू बता तू क्या चाहे। रात को प्रधान जी बहू रहेगी मेरी, नहीं तो मेरे 8,000 रुपए और 4,000 रुपए ब्याज के साथ टोटल हो गए 12,000, वो भी आधे घंटे के अंदर अंदर चाहिए। बता बे जगते कैसे होगा अब? अब प्रधान जी मैं क्या बताऊं, अब तो राजेंद्र बताएगा यू, अब तो मालिक यू ही है। तो तन नहीं करवाया ना, तो तू ही निकाल इसका निवारण। अजी इस मामा पे फैसला होता तो ये दिन देखना पड़ता क्या? बात तेरी भी ठीक है, बता बे राजेंद्र कैसे करें अब? देखो जी पप्पू की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, बहू है मेरी और के सबूत है पैसे इसके हैं। पैसे थे मेरे, मन्ने से खाद लाने के लिए दिए थे, सोसाइटी बंद थी, उन पैसे को अपने बता रहा हूँ, क्या मैं बहू भी से अपनी दे दूँ? झूठ कम बोल, इतना सीधा मानस है हूँ, इसका कोई खर्चा भी ना, तेरे पास कहाँ से आया इतना पैसा? रोज तो तू दारू पिए डोले था। अरे चाची ऐसी कोई बात ना, और सुनो जिस पर जो होता हो कर लियो, बहू है मेरी और वो काली जुबान के, आज से तेरा दिन वाला भी हक खत्म, और जो ज्यादा बकवाद करी ना तो थाने में ले जाएगा, दुकान को लाल करवा दूंगा। रे जगदे तन्ने तो सारे गांव की बेइज्जती करा दी, तन्ने कहीं नू सुना दो भाइयों के एक लुगाई आती देखी, तन्ना लड़की जात का मजाक बनाते शर्म ना आई? सही कहा इसने, हमारे पूरे गांव का मजाक बना दिया और तेरे सगे भांजों का भी। जब तेरे बस की नहीं था ब्याह करवाना तो मत करवाता, अरे ब्याह के नाम पे तो ना सौदा करवा दिया, गाय भैंस भी खरीद के लाता तो अच्छा लगता। एक लड़की की कीमत लगा के तू कितने बड़े पाप का भागीदार बना है, पता भी है तुझे कुछ? इस बेचारे पप्पू की तरफ देख, ब्याह करने के बाद भी कुंवारे का कुंवारा रह गया, अब कौन देगा इसे अपनी लड़की, कौन करेगा इसे ब्याह? पप्पू जो तने पंचायत मेरी बेइज्जती करवाई थी ना, मैं उसका बदला जरूर लूंगा, तोते उड़ा दूंगा, तोते फाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा। और जिसने मेरी घरवाली को मेरे से अलग करने की कोशिश की उसे तो मैं चीर दूंगा, फाड़ के 15 कर दूंगा, चूरा चूरा कर दूंगा, चूरा 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 कर दूंगा। उठो जी, लो जी चाय पी लो। सुन आज से तो मेरे लिए दूध लाकर। ठीक है जी। और हाँ मैं एक देरी बादाम और लाऊंगा। अब कितना तू क्यों रो रहा है, काम कर ले, अभी 12,000 रुपए भी देने हैं तुझे। ना करता खेत में काम और ना तुझे दूं एक फुट्टी कोड़ी। तो फिर लुगाई दे दे। हाँ अभी करूंगा तेरा तिलक,
अभी दुआ तो चलू भाई। तू तो मेरे हक मारेगा ना तो मेरे हाथ भी पीछे गुनाह है। सारे आज तू हाथ आगे कर तेरा आज हाथ ही तोड़ूंगा मैं। तोड़ के दिखा तू। सारे गांव में बेइज्जती करवा रखी तेने मेरी। बेइज्जती? बेइज्जती तो तने मेरी करवा रखी। समाज के सामने मेरा बिया भी हो गया और मुझे बहू भी ना मिली। मेरी तो जिंदगी के झाग उठ गए। चोट भी लग जाएगी। अरे राजेंद्र मार जा। अरे गट्टू छोड़े। अरे मार जा। अरे आपके इसकी जान लेके। अरे देख राजेंद्र बहुत रहेगी थारी। समझा? यू बात मुझे ना इसे समझा। तुझे बहु प्यारी है ना तो पैसे दे दे मुझे। अरे छोड़ दे। अरे ना बहु दूं ना पैसे दूं। और बुला ले पंचायत तो और किसी बदमाश को बुला ले मेरा मुंह पाल लिए। अरे यार नास पिटा। यो देख ये लपेटे कहाँ फिर रहा। यू तो नूई आंडे डोले धक्के खाता। बनन का यू सच्चा प्रधान। इसके बस की कुछ है ना। गांव में कोई काम रहे ससुरा गाय भी रही हूँ। इसे चाहिए आराम का खाना। इसके बस का ना है कुछ भी। पर मुझे दिलवा देगा यो। रे वो कैसे? इसे बना देते हैं राजेंद्र का हिमायती। पप्पू के हिमायती तो लल्लन और उसकी घरवाली है ही। भाई यो बात सही कह रिया। एक नंबर की बात कही तन्ने। अरे 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 उसका तो पट्टा उतर गया। अरे तो फंस गया दिखे है। अब ना चढ़ने का। अरे भैया जप्पे आजा बैठ। कहाँ गर्मी में धक्के खाता फिर रहा है। धक्के वक्के कुछ ना खा रहा बस ससुराल तक गया हा। ससुराल नहीं तो रसगुल्ले खाता फिर रहा भैया। अरे रसगुल्ले कुछ ना वो मेरा चचेरा चचेरा ससुर की कह बोल गई उसकी तेरा में गया हा। अच्छा तू तेरे की दावत दिखाते रहिए। यहाँ गांव में खेल हो गया खेल। संता की बहु भाग गई क्या? अरे वो है ना ढोकल के पप्पू और राजेंद्र उन दोनों में लठ बाज रहा है लुगाई को लेके। इस जांच को लगा दे साइड में को और मेरी बात सुन। इस बार तेरे प्रधान बनने के पूरे चांसेस हैं। हाँ हाँ बता के बात हुई। इनके ब्याह और लुगाई के बंटवारे का तुझे पता है ही। रात राजेंद्र की है और दिन पप्पू की। राजेंद्र ने तो हाथी ना लगाने दे पप्पू को। पूरी पूरी लुगाई हत्याली। तो इसमें मेरा प्रधान बनने का के जुगाड़ है यो बताओ। जुगाड़ ही जुगाड़ है। जुगाड़ क्यों ना हो। यो भाई लल्लन है ना पप्पू की गैल खड़ा है। यो दिलवाएगा राजेंद्र की बहू उसको। यो ही तो जुगाड़ है। भैया हम नू चाह रहे तू राजेंद्र की गैल खड़ा हो जा। जो तूने राजेंद्र की लुगाई बचवा दी तो सारा गांव तेरे फेवर में भी हो जाएगा तुझे वोट भी देगा। ठीक है तो फिर कराओ मेरे राजेंद्र से सेटिंग। राजेंद्र ऐसे ना आने का खाली पीली में। उसे तो दावत का झांसा देके बुलाना पड़ेगा। प्रधानी के लिए तो मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा। पानी की तरह। और सांझ है दावत की फुल तैयारी कर रखी है। घर है राजेंद्र को लिए सांझ है। ठीक है चाचा फिर तो मैं चल रहा हूँ। चपेटे भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे प्रधान जी राम राम। राम राम लपेटा अब बैठ। और सब ठीक तो है ना? हाँ प्रधान जी सब बढ़िया। बस मैं पप्पू की गुजारिश थी लेके आया था। गुजारिश? अब पप्पू के भी घड़ी खासी उठ रही है के? अब तुम्हें बताओ प्रधान जी के करे वो। देख भाई अब कोई कितना भी जोर लगा लो राजेंद्र तो अपनी लुगाई दिए नहीं। और राजेंद्र ने अपनी लुगाई अपने ढप कर भी ली होगी। और जब उसकी लुगाई उसके ढपता बोल लेगी ना तो भाई कोई फिर कुछ कर भी नहीं सकता। प्रधान जी कोई तो रास्ता होगा। पप्पू कह रहे देख ही नहीं जा रहे। तू क्या चाह रहा है? प्रधान जी अपनी लुगाई दे दे पप्पू को। जगुली के बच्चे तुझे तो मैं बताऊंगी। ओए लपेटे तू खड़ा हो ले यहां से। अरे चाची अभी तो गुल्ली बालक बुद्धि है इसकी बात का के बुरा मानना। अरे चाचा जी जो मैं तुम्हें खबर देने आऊं वो तो सुन लो। तो बात जल्दी। वो झपटे चाचा है ना वो पंचायत में मुद्दा उठाने की कह रहा था। वो राजेंद्र के डब से बोलेगा। तू पिट नहीं जाएगा।
अब छोड़ दे इस बालक को। देखा तूने मार दिया, पार के खाई की बात तो अरे छोड़ देना इसे। अरे लक्ष्मी, आज कैसे रास्ता भूल गई? मेरे मुकेशलाला का जन्मदिन है, कल नोटा देने के लिए आई। बैठ तो जा, खड़ी खड़ी नोटा देगी। अरे बहन बैठी ना, मुझे खुदूरी के घर भी जाना नोटा देने के लिए। अच्छा ठीक है तो जा। ठीक है बहन रामा। ठीक है। ए आके बहू। नमस्ते बेटा। नमस्ते पप्पू की माँ। राम राम। नमस्ते बेटा। नमस्ते। जीती रहो। मारा मठा कहाँ धरा है, तू मठा लेने आ गई? मारी तो भैंस नटे कई महीने हो गए, डाका अलग पड़ गया हमारे, तू मठा लेने आ गई? इन्हें तू कैसे झेल रही? चाची जी झेल रहे हैं, ये मत पूछिए कैसे झेल रहे हैं। इनको कहती हूँ रोटी खा लो तो कहती है कि मेरे को कौन से लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मैं नहा के क्या करूंगी। चाची आप बताओ कैसे आना हुआ? बेटी मैं नू आई थी, कल मेरे मुकेश लाला का जन्मदिन है, मैं थारी दावत कहने को आई थी और राजेंद्र को और पप्पू को टाइम से भेज दिए, थोड़ा काम में हाथ बटा लेंगे बेटा। अरे राजेंद्र गया तो था थाने में, पर पुलिस वाले कुछ ना करते। ठीक है चाची। और बेटा तू भी थोड़ा जल्दी आ जाइयो, घर में बहुत काम फैल रहा है मेरे। ठीक है चाची मैं आ जाऊंगी। राजेंद्र को कहा तो है, ए आज भैंस के लिए बिनौले की बोरी लिया, जाने लावेगा कि ना लावेगा। चाची जी आप बैठो, मैं चाय बना के ला रही हूँ। बेटा चाय नहीं बनावे, मुझे गांव में और लोगों को भी नोता देने जाना है। ठीक है बेटा, जीती रहो तो खुश रहे। ठीक है चाची मैं जरूर आऊंगी। ठीक है बेटा। चली आई मुँह उठा के मठा दे, मारी तो भैंस नटे कई महीने हो गए, डाका अलग पड़ गया हमारे, तू मठा लेने आ गई? चली आई मुँह उठा के मठा दे दो इसे। कहाँ से दे दे इसे मठा, कहाँ से दे दे इसे मठा। कालू बड़ा पैक, क्या मुँह देख रहा है? भैया जब तक राजेंद्र ना कहने का तब तक ना खुलेगी बोतल। अरे तो भाई खोल नहीं से, मैं खुद आधा घंटे से इंतजार कर रहा हूँ उसे खुलने का। और पता नहीं तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो यार। ओ नीचे राजेंद्र तू चिंता मत ना करिए, घरवाली तेरी है, तेरी रहेगी, हम तेरी गैल हैं। ओए राजेंद्र को इतना कमजोर मान रहे तुम, टोटे टोटे कर दूंगा जो मेरी घरवाली की तरफ किसी ने निगाह भी कर दी तो। वो ललन पंचायत में गरम हो रहा था, अन्नू कह रहा था कि लुगाई तो पप्पू को ही मिलेगी, गांव में किसी में दम ना है जो रोक सके। उसका घमंड तो मैं पंचायत में तोड़ूंगा, पंचायत में। भैया चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधान तो तुम्हें बना के छोड़ेंगे। रे देखो भाई, बहू तो रहेगी और राजेंद्र की, चाहे इसके लिए हो हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, समझ गई? जब से भैया तब करो पंचायत, अब के हम देखेंगे ललन को और पप्पू को भी, सिस्टम फाड़ देंगे सिस्टम। और मामा की भी तो करी थी, जगते मामा रोता हुआ गया था पंचायत से। रोएंगे तो महाराज जो समान। वो तो सब ठीक है, ललन के साथ मेरे भी क्या हिसाब है, सबका बदला लेंगे सबका। राजेंद्र से छेड़छाड़ कर रहे वे, उन्हें न्यू पता नहीं है राजेंद्र वो चीज है, सांप के बिल में हाथ दे गए
सांप के भी दांत फाड़ दे, वे तो केजी है। और पहलवान ये तो तेरे आगे कीड़े मकोड़े से हैं। सबको मसल दूंगा सबको। बुला लिए जगते मामा को भी, उसका भी तो हिसाब पूरा करवाना है। कालू बना एक पैक और। अच्छा जगते भैया मैं चलूं, बालक घर बार देख रहे होंगे। अरे राजेंद्र आज ऐसे कर तू यही लौट, तेरे पीछे तो पप्पू पूरा गांव लग रहा, तू आज यही सो जा। ना ना भैया, सोमवार तो मैं घर ही, दुश्मन आस्तीन में ही है, आस्तीन मतलब बाजू में ही है, है? तो देख देख कर जाइए घर। अरे यार थारा ब्याह करवा के तो फंसगा, ये मामले में गले फंस गए। अरे मामा तू चिंता मत कर, तुझे डरने की जरूरत ना, मैंने सब जुगाड़ कर लिया, जब ते चाचा है ना मेरे साथ। के करवाओगे साइकिल में? भैंस नहीं करवाना है, कर दे। अरे भैया पंचर होगा, पंचर जोड़ दे। पंचर जोड़ दे? अब बता जब से क्या कह रहा था। अरे मैंने सुनी है उसी घर में जलती ना, जब से जैसा ईमानदार दुनिया में ना। वो तो थोड़ा सा कम बोल रहा है पर सिद्ध आदमी है, ललन थोड़ा तेज है, और झपके चाचा ने कसम खा रखी है ललन की अब पंचायत में जरूर चटाऊंगा। अरे कहीं ऐसा ना हो उन ललन को गारा चटवा दे और स्वाद हमें भी लेना पड़े। मेरी समझ में नहीं, नहीं आ रहा तू तो घबरा क्यों रहा। अरे मैं घबराना रहा हूँ, मैं कहा जो तेरी तेरी साथ है तो छुटे जब देखी जाएगी। मेरी बात सुन मम्मा, तू है बेस है, तू पंचायत की बात सुन के भी तू बैठ जाएगा पर मेरे पे नहीं बैठ जाएगा, क्योंकि मेरे में गुस्सा बहुत है और गुस्सा तो मुझे पप्पू पे भी आ रहा। वो तो मैं उसे वहीं पीटता पर वह माने बाप कर लिए छोड़ दिया, उसकी छाती में लात मार सका। अरे मामा तू के बताऊंगा, मुझे बता तू कर रहा तू वहाँ जाने कहीं ना पहले तो पंचायत में। अरे तू मुझे कमजोर मान रहा है, अरे मैं तेरी वजह से कह रहा हूँ तेरे से पहला खड़ा पाऊंगा पंचायत में। हाँ मामा ये हुई ना बात लगा भी है जे मैं बीड़ी। अरे माँ राजेंद्र भैया को समझाती क्यों ना है। अरे मैंने तो तेरे बाप की बहुत सेवा करी लेकिन उसकी किस्मत में इतना ही जीना लिखा था, वो ना जिया। वो नाजी पिताजी की बात ना कर रही, मैं राजेंद्र भैया की बात कर रही। तेरा बाप होता तो तेरा ब्याह धूमधाम से करता, खूब खूब धूमधाम से करता। कोई बात ना, तेरे भैया तेरा ब्याह खूब धूमधाम से करेंगे। इनसे अपने ब्याह के मुकदमे तो सुलझना रहे और मुझे ना करवाना ब्याह। छोरी को ब्याह की लग रही है। राम राम। अरे यू ना सुनने की है, अब तुमने इतनी देर का लगा दी, चल घास काटने चल रहे। अरे मैं टीवी देखने लगी और घास काटने की मेरे ध्यान से उतर गई। एक प्रिया बच्ची थी ये भी खत्म। अरे अपनी भाभी को बुला लेती। भाभी, ओ भाभी आई। अरे भाभी भैया रात में घना दुखी कर आगे जो तू दिन में सो रही। वो काम कर करके थक गई है ना तो आंख लग गई। ताई की तबीयत में तो सुधार से लगे हैं। बेचारे पप्पू भैया के सारे पैसे तो दवाई में लग जा। पप्पू भैया के पैसे तो पहले बेचारे के ब्याह के चक्कर में सारे बेकार गए। नहीं खड़ी हो जा, इन तो चप्पल में सारे बाल काट लूंगी। इससे पहले पूछो तो गोली हो जाए यहाँ से। क्या हो गया? इसे दो सारा हिसाब, हमारे पैसे कहाँ लग रहे कहाँ ना।
कतई मुंशी का खसम हो रही है। आने दे तू एक बार मम्मा को, ये सारा करा धरा उस मम्मा का ना, उसकी टांग पे टांग रख के मैंने चीर न देना तो मेरा नाम रानी ना। मम्मा ना भटकने का बिंदिया को। ओए मम्मा भी आऊंगा और इसके बड़े भी आऊंगे, चले मैं देखूंगा कौन रोकेगा, फार दूंगा फार। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, मेरे पैसे वापस कर दे, ना तो आज रात को सोऊंगा मैं। कोई बात नहीं, पहले चाबी दे, मैं भीतर सोऊंगा। ए भैया थारी बात अच्छी ना, तुमने इस बेचारे का पागल बना दिया। ए चुप, इस मामले ट्रक खोल ना देंगे, लोगे लड़ी ज्यादा नहीं बुला कर दी, वो शराब चुप। अच्छा लेना देना कैसा ना है? लेना देना है तो तू भी आज ये पंचायत में हिसाब मारना, कुछ तेरे मुंह पे बोला बहुत रुपए दे दिया थी। और पंचायत का डर मत दिखावे, भूल गया वो दिन जब पूछ दबा के भाग गया था। ओए पप्पू तुझे पंचायत नहीं मार था पर तू बच गया था, छोड़ दिया मैंने सारा, अगर तू आज बोला तो आज मुझे मारवा मारवा। तू हाथ तो लगा के दिखा जाना, तेरा हाथ ना तोड़ देंगे हम। और क्या मगर दो रुपये नशे में कमजोर मान रहे थे, खो मुझे चाहे पैर दूंगा। मैं छोड़ दे लाल चने आयु मैं कले बदला था, ये तो सूरा फालतू है। क्या कर रहे हो? कल को पप्पू और तोड़ लाएगा अमरूद। अरे ये अमरूद अब भाभी को कब देगा खाने में? चल सो तू भी, चले खड़ा हो, चल अंदर को। अरे चला जा अंदर को। भैया ये गठिया उठवा देना। कौन है तू? नहीं आई दिखे इस गांव में? हाँ मंगल फूफा जी के यहाँ पे आई हूँ। ओ अच्छा अच्छा, चलो तो आराम से चल जा। ओहो सेटिंग चल रही है इनकी तो भाई। अरे मंगल के साले की छोरी भी खूब दांत पाड़ रही, मैं तो राजेंद्र ही जार समझाया, ये तो उसका भी उस्ताद निकला। एक तो सेटिंग कर रखी है, ऊपर से राजेंद्र के लुगाई भी हड़पने के चक्कर में लग रहा, अभी भी टोंगा में ढिंढोरा। बस कर रहे हैं और पापा के पास आठ दस की करेंगे सर। कहीं ना ये पप्पू ने पिट्टा रात घेर के उसकी लुगाई भी छीन ली। गुल्ली तोड़नी पड़ती दिखे। चलो उस्ताद क्यों इन बालकों के मुंह लग रहे हो, इनके बाप पंचायत में देखेंगे। अरे छोड़ रहा हूँ मैं तुम आज,
ना नंगा करके डंडी बजाता। बोले ओए बगम रहोते दुखू में लौट के मारो मारो। भैया राम राम। राम राम आजा जी भाई बैठ। कैसा आना हुआ? ले बीड़ी पी। भैया तुम बीड़ी सूते रहियो फिर कहते फिर पूरे गांव में कि मुझे कोई वोट ना दे रहा। छो में क्यों आ रहा है नू बता के बात हुई? वाह भैया वाह, मुझे तो लगा तुम्हारे राम की ताली पीटनी पड़े मुझे। फूक तो भी लो मतना नू बता बात के हुई। राजेंद्र की लुगाई छिनने को हो रही तुम्हें ना पता? ऐसी के बात हो गया? पप्पू ने राजेंद्र पीटा है रात में और लुगाई कर दिया ताले के अंदर। राजेंद्र रात भर रोया है। अजी हाँ पप्पू में इतनी हिम्मत आई कहाँ थे? जब बात बहू की आवे है ना तो हिम्मत आई जावे। पप्पू ने तो हिम्मत कर भी ली देर पता वो भी ना हुई। भैया तू मेरी छोड़, ये राजेंद्र की बहू छिनगी ना तो फिर तो तू बन लिया प्रधान। प्रधान कौन बनेगा कौन ना, इस बात का फैसला तो पंचायत में हो जाओगा। देखा राजेंद्र भैया कितनी चिंता चट्टे भाई को आपकी, हर टाइम पंचायत में आपके ही बदले की बात करते रहे। चिंता तो हमें भैया की। अरे मेरी चिंता छोड़, अभी तो तेरा मसला हल करना है, बदला लेना है। मामा से कह दिया था नानी क्या नहीं कही? राजेंद्र आजा बैठ भाई। हाँ भैया मामा से तो मैंने कह दिया, पहले तो डर गया पर जब मैंने कह रहा पर क्या कही जब उन्हें हाँ करी। भैया प्लानिंग तो बता, बात कैसे शुरू करेगा? कैसे क्या बात साबित करनी है? जो पैसे पप्पू ने दिए वो पप्पू के है ही नहीं, वो फिर भी राजेंद्र की घरवाली हत्याने के चक्कर में लग रहा। और के सही बात है, अब तो राजेंद्र और जगते मामा की बेइज्जती का बदला लेना। अब ये काम की बात हो रहे आज ही पता करिए मैंने अपने पूजिया सूत्रों से। ऐसी क्या बात पता कर ली तूने? जब मैं दोपहर में रकम सिंह के खेत में गया डब्बा लेके तो वहाँ मैंने सामने के खेत में पप्पू और प्रीति को निकलते देखा। अजी हाँ मुझे देख के दोनों अलग अलग हो लिए। प्रीति जब देख के आगे को घुसी अपनी गली के ढब को और वहां से उसने पप्पू की माई को दो तीन चुम्मी के फायर करे। मैं जब ही समझ गया मगर जरूर कोई लफड़ा दोनों के बीच में। फिर के पप्पू ने भी लपक के पकड़ी हमारी चुम्मी। यार पप्पू तो बड़ा जार पाया, एक तो सेटिंग ले रहा, राजेंद्र की घरवाली हत्याने के चक्कर में लग रहा। फिर तो भैया होगा काम, तुम कल परसों में पंचायत रख दो, मन उसके पंचायत में भिगो भिगो के जूते ना मारे तो राजेंद्र मेरा नाम नहीं। ठीक है कल ही लिखता हूँ पंचायत का लव लेटर। हाँ। और चिट्ठी हम लिख देंगे प्यार की। और भाई पप्पू क्या हो गया? पप्पू भाई कैसे उदास दिखे हैं? बस वैसे ही थक्के बैठ गया यार। अरे ले तू पानी पी, ये ले पानी पी। भाई हम तो तुझे नू बताने आए हैं कि झप्पे के चक्कर में राजेंद्र ने फिर से पंचायत रखे हैं। अच्छा मतलब लट झप्पे की देह भी मांग रही है? अरे लट तो उसमें बचना ही चाहिए, हम तो तुझे बताने आए ये कालू और नाई ये दोनों ने भाई गड़बड़ कर रखी। बैठते पूरी तैयारी में आई हो भाई, अब तो पंचायत ही करेगी कोई फैसला, मैं क्या करूं बताओ। छोटी जल्दी हार मान गया के लुगाई तो तेरी भी है तो बता क्या करूं, लेके भाग जाऊं उसे? अरे तू क्यों भागेगा भाई हैं? ले राजेंद्र का इलाज कर। क्या इलाज करूं उसका, वो तो खुद लाइलाज है। तो हम बतावेंगे उसका इलाज। तू कुछ ऐसा कर दे कि राजेंद्र की बीवी उसके डब को झाके भी ना। मेरी तो बात भी ना सुनती वो, ना वो मुझसे बोले मैं क्या करूं ऐसा। तो एक काम कर सकता है कि राजेंद्र को उसके दौरे जाने से रोक सके है। कैसे? देख भाई अगर पंचायत का फैसला राजेंद्र की तरफ जाते दिखे है तो उसको फैसला ना होने दे, इस तरह टाइम मांग ले और जितने दिन टाइम है उतने दिन भाव किसी की नहीं है। फिर उतने दिन कौन सोचेगा उसके दौरे? कोई नहीं तू टाइम ले ले। टाइम लेके होवेगा के? रे तू टाइम तो ले, ये बताऊंगा तुझे हम क्या करना है। चल ठीक है फिर, ठीक है चल भाई।
छुट्टी का नुट्टा मिलते हैं फिर तुझे। चल भाई यार, अगर ये इन पागलों का मुकदमा से खत्म हो लिया तो तीन मजा रह गया तो हम इतनी जल्दी खत्म होने देवेंगे क्या? चला जा। आओ हमरा डार्लिंग, हमरा गले मिलो। यस। तुमरा दिल कितना कुरकुरा बाजी। अरे बावड़ी, तन्ने बीड़ी का मंडल तोड़ दिया मेरा। ये ले। बैठ बैठी। जी। ना, तुमसे एक ठो बात छुपाए। अगर तुम गुस्सा ना ही करो, तो हम बतावत हैं। अबे तू पप्पू से तो लगी? नहीं, हमरा उसे कोई लेना देना ही है। हाँ अजी, तुम गुस्सा नहीं करोगे ना? नहीं करूंगी ना भाई, माहिरवा। आप पहले हमरा सौगंध खाओ। नहीं करूंगा ना गुस्सा, बता। हम ना खैनी खाते हैं। हाँ? मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ अजी, आप तो हमरा सौगंध खाए थे ना कि हम गुस्सा नहीं करेंगे। अजी आप भी तो 24 घंटा बीड़ी फूकते हो। तो आपको जैसे बीड़ी की आदत है, वैसी हमरा खैनी की आदत है। हमरा खाना नहीं पचता है। तो बार बार क्यों बता रही है? ठीक है ला दूंगा। अजी मेरे लिए खैनी ला दोगे ना? ला दूंगा ना। अजी हम ना खैनी के 40 ठो पुड़िया लाइल रहनी। हाँ, वो 40 पुड़िया खत्म हो गया। अब तो खाना हजम हो ही नहीं रहा है, का करे हम? यार मैं तो खैनी खाता भी ना हूँ, और गांव में से किसी से मांगी तो शक करेगा। वो सब हम कुछ नहीं जानते हैं। आप हमसे प्यार करते हो तो हमारे लिए खैनी लाओगे? अबे यार प्यार में लगता मांग, कपड़ा मांगती, कुछ और मांगती, जेवर मांगती, मांगी तो खैनी मांगी। अजी खैनी के बिना मेरा खाना भी नहीं पचत है। मेरा हाथ भी उठ जा। अजी आप तो सौगंध खाए थे ना अभी कि खैनी ला दूंगा। हाँ चल ला दूंगा। अभी कोई और ख्वाहिश तो नहीं रह रही है दिल में? और कोई तो रहस्य नहीं है तेरा? अजी छोड़ो ना, हम शादी से पहले की बात याद करना नहीं चाहते। हमरा मन भर जात बा। हैं? अरे लपेटा, तू तो पढ़ा लिखा है ना, ले यू चिट्ठी पढ़ के बता और सबको सुना जोर जोर से। सेवा में जी तो नहीं करता मानने को, फिर भी माननीय ग्राम प्रधान जी, मैं गांव का नागरिक झपट राम राजेंद्र पप्पू लुगाई विवाद पर फिर से पंचायत बिठाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त राजेंद्र बहुत ही असहनीय स्थिति से गुजर रहे हैं, मुझे बदला लेना है। मेरे दोस्त और उसके मामा श्री जगते जी की बेइज्जती का। मुझे गीदड़ मत समझना, जब झपटा झपटेगा ना बस आगे समझ लो। लल्लन तू झूठ बोल के जीतता है हर बार प्रधानी में, इबके जीत के दिखाइए। गांव का प्यारा समाज सेवी झपट राम। बताऊंगा सारे तुझे। तो गांव वालों, आपने सब सुन लिया होगा कि ये पंचायत क्यों बुलाई है।
बोलो चपेट राम जी, क्या कहना है? बोलना के है सही नहीं करा पंचायत ने तो आप ही कुछ कर दो। अभी तक तो पंचायत ने कुछ किया भी नहीं, बहुत राजेंद्र ने हत्या रखी है। मगर अब पंचायत जरूर कुछ करेगी, तो आप बताओ आप क्या चाहो? मैं ये कहना चाहता हूँ पप्पू झूठ बोल रहा, पप्पू ने कोई पैसा नहीं लिया, पप्पू तो इसकी लुगाई हड़पने के चक्कर में लग रहा। जबटराम जी आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि पप्पू ने पैसे नहीं दिए? जब दिए ही नहीं ना, पैसे तो मेरे थे। हमारे पास तर्क और गवाह है इस बात का। क्या तर्क है आपके पास? जा रही हूँ जा इस पप्पू की तो मंगल की साड़े की चोरी तक कैसा। यो क्या बकवास कर रहा है? मंगल तो यहाँ है नहीं, वरना तुझे भी टैग का नीचे दे के मार देता। ऐसे कैसे मार देगा? मैं सबूत दूंगा, गवाह दूंगा, यू बैठा नहीं था। इसने देखा तू एल पे घूमते हुए, बागों में घूमते हुए, रस्ते में घूमते हुए। साले नाई तूने कब देखा बे झूठे? तो देखा दोनों दांत फाड़ते हुए जा रहे थे। मैंने तो बस उसकी गड्डी उठवाई थी। यही तो कह रहा हूं मैं, गड्डी उठवाई। पप्पू तू बता इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये दोनों। साले तू तो पहले से ही जा रहा है, पिछले साल तेरे घसारी छेड़ी खेत में, नाम लिखी मेरे, तू जा रही सब आज नहीं आ रहा, इसीलिए तो मेरी घरवाली को हत्या ना चाह रहा तू। तो भाई अब छोरी को बुलाया जाए, अब वही बताएगी सब कुछ। प्रधान जी वो सब तो शाम ही चंडीगढ़ गए, 3-4 दिन में आओगे, ताला लग रहा है उनके घर पे। तो ठीक है, तो 3-4 दिन बाद ही होगा इस बात का फैसला फिर। प्रधान जी ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे डर क्यों रहा, तेरे को तो अभी जूते भी पड़ेंगे। प्रधान जी मेरी बात का विश्वास करो। देख पप्पू मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है, पर इनकी बात को मैं बिना छोरी के गवाही के गलत नहीं मान सकता। तो फैसला तभी होगा जब छोरी आ जाओगी। ठीक है, अगर उस छोरी से मेरा कोई मतलब ना निकला तो घरवाली रहेगी मेरी, और राजेंद्र का कोई हक नहीं है रहने का, क्योंकि राजेंद्र मुझे बदनाम कर रहा है। और हाँ, जब तक पंचायत का कोई फैसला नहीं हो जाता तो राजेंद्र सोगा बाहर मेरे धोरे और माँ सोगी भीतर। तो हाँ भाई राजेंद्र है मंजूर? हाँ जी प्रधान जी मंजूर है। अरे नहीं तू क्यों बोल रहा, तू देगा अपने घर वाले को? मैं क्यों दूंगा? ए बोल तू यार साले, ठीक है? ठीक है प्रधान जी मुझे मंजूर है। ठीक है, फैसला अगली पंचायत में होगा। और झपटराम तू भी सुन ले, अगली बार चिट्ठी किसी सही आदमी से लिखवाइए जो तुझे ना फंसवावे। अब ये पंचायत यही समाप्त। राम राम। अरे भाई लो बेटा, ये छोटमोट काम से कब तक गुजारा चलेगा? वो कलवे के उजरत बैस बेच के जो पैसे आए थे ना, वो तो खत्म हो लिए। उसका तो राशन ले आए, सब खत्म हो गया। और बुढ़िया का नशा करे भी यार घने दिन हो लिए। कल वो सेरा के गुंडे मिले थे मुझे, उनके 2 लाख रुपए हो लिए बुढ़िया के और दारू के। वो जो भैंस बेच के 10,000 रुपए बचे थे ना, बड़ी मुश्किल से उन्हें देके पीछे छुड़ाया मैंने। अच्छा अब कैसे होगा यार, शेरा तो मैं जान से मार डालेगा। बड़ी मुश्किल से 2 महीने का टाइम दिया दालों ने। लंगड़े की मोटरसाइकिल बेच देते, थोड़ा उसको बेच के काम चलाएंगे। उससे कितना काम चलेगा यार? ₹5,000 होंगे, बाकी का बाद में देंगे, पहले उसे तो पार कर दे। ठीक है तो फिर आज शाम को ही पहुंचा देते अपने ठिकाने पर।
कल कबाड़ी आगे ले जाए। हमारा तो सारा चोरी और ठगी है। नहीं, वैसे तो तू एक नंबर का झूठा, पर मुझे तेरी इस बात का विश्वास है। पहलवान, जितना मैं प्यार तुमसे करता हूँ ना, उतना मैं अपनी लुभाई से भी ना करता हूँ। और एक बात ध्यान रखिए, अगर तेरी बात झूठी निकली फिर देख ले तेरा क्या होगा। पहलवान जी, मेरा उस्तरा और मेरी नाट अलग कर जाकर झूठ बोल रहे। भाई मुझे लगता ना कि वो झूठ बोल रहा, पप्पू की छोड़ के सेटिंग जरूर होगी। देखा ना पप्पू कैसे पसंद है छुटके, उस छोरी का नाम सुन तो ही। अरे तो फिर हाथ क्यों रोक रही है, मसाज हाथ से कर रहा है मुझसे कर रहा। देख भाई, दो चार दिन की बात है, तू बाहर सो लीजिए, कभी कुछ गड़बड़ कर दे। कैसी बात कर रहा है मम्मा, पंचायत का फैसला तो मानना ही पड़ेगा। चल तो एक काम कर, तू मसाज करवा और मैं चलूं। ठीक है, बीड़ी भी आ जा। बीड़ी ना आ जा। अरे बहन, इस बार को लेके गांव में लोग खूब मजे ले रहे हैं। एक गलती इन दोनों की ना है, गलती समाज की है। वो कैसे? आजकल लोग गरीब के घर में लड़की देना ही नहीं चाहते। सही कह रही हो बहन जी आप। गरीब से गरीब लड़की वाला भी नौकरी वाला या जमीन वाला छोरा देखे। अब बता, दोनों भाई कमा रहे थे, कमा के खा रहे थे, कई जगह इनके रिश्ते की बात चली थी, तुमने सुना तो होगा। अब बताओ, कोई पढ़ाई को लेके मना कर दे और कोई जमीन ने लेके मना कर दे। बहन जी ये बात तो आप सही कह रही हो, आजकल छोरी वाले छोरे वाले को कुछ ना समझते। सही कह रही हो बहन जी तुम। अब बता, ब्याह होना भी जरूरी है, घर में काम के लिए औरत भी चाहिए, और इनके मामा ने एक ही काम गलत कर दिया, दोनों का कह के ब्याह करवा दिया। बहन तुम सही कह रही हो बहन, अब तेरे का मामला घने केड़ा पड़ गया। देखो अब क्या होता है, भगवान का जाने अब क्या होगा। सो जा, घने तड़पे ना, पंचायत के हुक्म की कुछ तो कदर कर ले झूठे आदमी। मेरे ससुरे, तू कितना सच्चे आदमी है, मैं सब जानू। जा रहे सो जा, पजा रहा सारे। हाँ सो जा, बस तू जा। बाद में नहा लियो, पहले मुझे चाय दे दे। ओ कुमकरण उठ जा, सुबह होगी। अरे छोरी बावली हो गई क्या तू? अरे क्यों बावले हो रहे हो तुम लोग? अरे उठ रहा है, उल्टी कर दू खाट। अरे खड़ा हो जा, सुबह होगी। अरे हो जा खड़ा, सुनता ही ना। अरे उठ जा, अरे खड़ा हो जा, उठ जा। अरे ए जी उठो ना, ए जी उठ कर उठो ना। Ha ha ha!
मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ना, तुझे बहु मिल गई डोरा, देख रहा भैया चला गया। तू तो राज के बाबा, तू क्या जाने क्या हो गया? प्रधान जी मैं तो मंजन कर रहा था, रानी ने उठाया तो उठाना, पर जब से मैं रोआ मिट्टी पड़ गई। अगर मुझे रात ही पता चल जाता तो मैं रात ही सारा गांव इकट्ठा कर लेता। पर यू मरा कैसे? मुझे क्या पता प्रधान जी, मैंने तो लाश ही पाई। पंडा जी फिर करो तैयारी। करवाते तैयारी, लाओ दो पैसे। लो पंडा जी, चल भाई सामान लेके आते। पंडित जी मैं लकड़ी और गोसे भर दूं बुग्गी में? रे तने घड़ी जल्दी और रखी, इसकी बहू आने की। ऐसी कोई बात ना है, जो विधि का विधान है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। मुझे तो लगा रात को सीधा कर दिया पप्पू ने, और देख गले पे भी नील के निशान से पड़ रहे हैं। यार पप्पू ऐसा है तो ना, अरे लुगाई चक्कर में कौन भी ऐसा कर सके, लुगाई होती वह चीज है। यार तेरे तो कुछ हुआ ना, तेरे तो तेरे साले पीट के लगे तेरी लुगाई को। पंडा जी अब क्या करना है? चलो पप्पू ले चलो। भैया उठ जा मेरे भाई, अब बहू भी तेरी और रोज सोइए भी तू अंदर, उठ जा। की बात ले और रुवा ले मुझे, उठ गया ना। और हाँ राजिंदर सुन ले, अब फैसला पंचायत में होगा। हाँ बेटे सुंदर बीवी को छोड़ के ले जाने वाला था मैं। चलो भैया सब अपने अपने घर चलो, ये तो उठ लिया, ये आरती सिंह मां के रख लियो, थारी बुढ़िया के काम आवेगी। चल सुमित्रा चलो। चल यार इस बात से ये तो पता चला कि तेरा कौन अपना है कौन पराया। मुझे यार तेरी लुगाई पे सरसा हो रहा है, वो अपने मन से भी लोड़ी थी। साले कमरे में बैठ के मेरी कोड़ी भर के आधा घंटे तक रोई। कमरे बनने में तेरी एंट्री बन रहा है, झूठ बोलने में समय बड़ा उसको आज है। लुगाई भी तेरी होनी चाहिए, पंचायत उससे कुछ पूछ ली और पप्पू गौड़ बोल गई ना हो तो घर वाली पप्पू की हो जाएगी। अजी हाँ ऐसे कैसे हो सके? पप्पू ने तो आज कर दी तेरे नाम के भुगे में लकड़ी और गुस्से भर दिए। पप्पू का भी क्या कह रहा, इसे भी बताऊंगा मैं। वैसे जाने वाली नहीं है, अगर जाने भी लगी ना तो हम कह रहे मेरी लुगाई पेट से है, ये तो पप्पू भी छीन नहीं सकता। ठीक कह रहा है भाई, तो तने ऐसा जुगाड़ बता दिया कि पप्पू मेरा कुछ नहीं काट सकता। राम राम माजी। राम 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 राम। सब ठीक है? ठीक है जी। नमस्ते। राम राम लाली जी। नमस्ते। राम राम। और पप्पू? बस जीजा मैं तो बढ़िया हूँ, आप सुनाओ आप ठीक हो? बस तेरे बुलाने पे आ गया, बस थोड़ा टाइम तो लग गया बट मैं आ गया हूँ। जीजा मजबूरी है, अब क्या करूँ बता। अरे तू अब टेंशन ना ले,
अब मैं आ गया हूँ ना, देख ये बात कैसे सुलझाता हूँ। अब कोई पंचायत में जाने की जरूरत ना है। अच्छा जीजा, जीजा बस तू ऐसा करवा दे कि ये मसला आराम से निमट जावे। अरे मैं क्या समस्या सुलझाने आया हूँ के? पहले ये बताओ राजिंदर कहाँ है? राजिंदर, राजिंदर तो बाहर जा रखा दिखे है। अच्छा भाभी, ये जीजा जी हैं। जीजा जी ये भाभी हैं हमारी। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते, खूब सुखी रहो, जल्दी इस घर को खुशियां दो। ओहो ओहो, आज तो जीजा जी पधारे हुए हैं और हमें पता ही ना। जीजा जी आज कैसे फटक गएंगे को? बस पप्पू ने बुलाया तो आना पड़ा। वैसे जीजा मैं थर से नाराज हूँ, मैं अपने ब्याह में थारे घरों कहने गया, तुम जब भी ना आए ना तुमने हमारी बहन भेजी, यूँ बढ़िया बात ना। अरे अब तो आ गया हूँ, अब करवा ले जो करवाना है। मीरा चाय ना पिलाई जीजा को, जा चाय बना ला। चाय ही बनाने जा रही हूँ मैं। हाँ भाई राजेंद्र, चाय तो पी लेंगे, पहले ये बता तुम दोनों की समस्या क्या है। मतलब जीजा जब मेरा भैया हुआ था तो हमारे दोनों की मर्जी से हुआ था, पर पैसे मेरे जा गए। ठीक है जीजा, ही मामा ने फैसला करा कि रात को मैं भीतर सोऊंगा और दिन में यू। चल यो भी ठीक है, आगे बता। अभी पप्पू नू कह रहा कि रात को सोऊंगा मैं भीतर और तू सोऊंगा दिन में बाहर। हाँ भाई पप्पू यो ही बात है। हाँ जी बताओ, अब पैसे मैंने भी दिए, ब्याह भी मेरा हुआ, लेकिन मेरा ब्याह होने का तो कोई फायदा ही ना हुआ। रोज तो मुझे काम पर जाना पड़ा है दिन में। बात तो पप्पू की भी ठीक है। ठीक है, जब तुझे बुलवाया तो करवा, फैसला कैसे करवाऊंगा। यो समस्या तो केड़ी फंसा रखी है भाई तुमने। तू समस्या बता रहा है, पूरा मुकदमा हो लिया, पूरा गांव फंसा पड़ा इसमें। अब की बार तो प्रधान का चुनाव भी इसी फैसले पे टिका हुआ है। अच्छा रे जीजा, सारी बात छोड़ो तुम, या तो रात को मेरी हाँ करवा दो, नहीं तो मेरे उल्टे पैसे दिलवा दो, फिर मैं कुछ कहूँ नहीं। राजेंद्र तू बता भाई, पैसे देवेगा कि रात के जगह पे बहू रखेगा? जीजा मैं उसी फैसले पे रहूंगा जो मम्मा ने करवाया, और पैसा ना दू एक भी, और बहू रहेगी दिन में इसकी, और इस फैसले पे इसने हाँ करी। यो तो गलत बात है भाई राजेंद्र। जीजा गलत हो या सही हो, बात रहेगी यूं और रहेगी भी यूं। जीजा जी पहले तो आप राजेंद्र भैया को मारिए, छोटे भाई का हक मारते हुए शर्म नहीं आती ने। मका तू चुप ही रह ले, और ना पप्पू से पहले तू पीटेगी। हाथ लगा के दिखाइए, अब हम बच्चे नहीं है। मुझे पीट लेगा तू? मेरे हाथ पिछे को मांडे आके गर्दन उखाड़ दूंगा। भाई वाह, लंका में तो सारे ही बावन गज के हो रहे हैं। के? देख भाई राजेंद्र, तू अपने मामा से बात कर, जहाँ से तेरे लिए बहू लाए थे वहीं से पप्पू के लिए भी ला दे, और पप्पू ने जितने तेरे ब्याह में पैसे दिए थे तू उसके ब्याह में दे दे। देख जीजा, बहू तो इसकी भी है, मैं दिन भी और रात भी इसे ही सौंप रहा हूँ, और जो नहीं आओगी ना उसे मैं ले लूंगा, बेशक आज ही कर ले इस काम को। बता भाई पप्पू। बताओ ऐसा भी होता होगा कहीं, नई बहू रखूंगा मैं, ये तो हर जगह अपनी चलानी चाह रहा। अरे तू क्यों रखेगा, जब तन्ने इसे अपना बना रखा तो नई बहू रहेगी मेरी। राजेंद्र पप्पू ठीक कह रहा है ना। जीजा मुझे नहीं मानना तेरा फैसला, खड़े हो अपने घर को जा, ये फैसले को हम अपने आप कर लेंगे। देख जीजा जब कोई काम की बात बतावे ना तो यो ना सुनता किसी की भी। मेरा डार्लिंग इधर आओ। मैं ना ये तो बहुत प्यार करूं। वो तो मुझे जब ही पता चल गया था जब आप नई वाली के साथ रहने के लिए फुफा जी से बात कर रहे थे। वो तो मैं मजाक कर रहा था। ना जी वो तो आप गुस्से में कह रहे थे, मजाक नहीं था वो। तुम्हें तो मेरा विश्वास ही नहीं है, मैं नहीं करता बात। क्या मेरे से बात नहीं करोगे? क्या मेरे से बात नहीं करोगे? क्या कर रही है? अच्छा अब एक बात बताओ, आप मेरे को क्या बताने वाले थे? सुन, अगर पंचायत का फैसला पप्पू की तरफ हुआ ना तो हम झूठ बोल देंगे कि तू बच्चे की माँ बनने वाली है, तो पंचायत का फैसला हमारी तरफ करना पड़ेगा डार्लिंग। अब क्यों भैया? अच्छा आपसे गुस्सा ना करो तो एक बात बताऊं? हाँ बता।
मुझे लग रहा है मैं सच में ही माँ बनने वाली हूँ। यस, अब बनूंगा मैं पापा। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? अम्मा, अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ अम्मा? अम्मा क्या हुआ? अम्मा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई क्या? पप्पू भैया आप डॉक्टर को लाइए ना बुला के। ठीक है। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? अम्मा जिंदा। 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 अम्मा, अम्मा ये हो गया? मैं बुढ़िया की सांस की मशीन कहाँ है? हाथ के नीचे। अम्मा से मशीन से सांस लेंगे तो काम होगा। ना किसी ने घाट पे फेंक के आनी पड़ेगी। अम्मा, 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 गर्मी से हो रहा है मुझे, मुझे गिलास नीम का पिला दे। इसे लग रही है लू, इसे इसके यो कैंपा। हाँ, और मैं जा रहा हूँ चाचा के साथ वह बाजार। भाई एक काम करते हैं, लोहे का काम कर ही देते हैं, बाग में से उठा के लोहा पहुँचा देते हैं अपने अड्डे पे। और दिन में वहाँ पे किसी भी कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं। कबाड़ी वाला तो अपने है ही, तो उसे फोन कर दूंगा, आ जाएगा और ले भी जाएगा कबाड़ी। बस यो बात का ध्यान रखना है कि किसी को पता ना चले, क्योंकि लोहा बहुत ज्यादा है। हाँ, 200 क्विंटल तो होगा लोहा। और ये सब छोड़, मैंने सुना है कि प्रीति चंडीगढ़ से वापस आई है। कौन प्रीति? अरे वो पप्पू की सेटिंग है। वैसे एक बात बता, तू मन ने तुझे केला आ गए, होगा उसकी सेट? देख भाई, दो बातें हैं। एक तो पप्पू ऐसा छोरा ना है, और गांव में जो अफवाह फैला रहा है ना, वो सबसे बड़ा झूठा है। हाँ वो तो होगा ही, क्योंकि चेला तो तेरा ही है वो ना ही। फालतू बातें मत कर, ले बीड़ी दे रहा हूँ जला। कहाँ गई तेरी? हाँ दे रहा हूँ, दे रहा हूँ यार। रात को सपने में भी ना शेरा के गुंडे दिखाई दे रहे हैं। करते हैं उसका भी कुछ जुगाड़ यार। देख अब वो राजेंद्र का केस का क्या होता है, कहीं साला सुलझ ना जाए। ऐसे थोड़ी सुलझ ले देंगे, खेल तो कर दिया है नाई ने, बस फंसाने का काम हो गया उसका। ये साला नाई भी बड़ा तेज है, पूरा खुल के मजा लेता है। रांझी शुरू करवाओ, फिर खेतों पे भी जाना है। अब तो मंगल भी आ गया, चोरी भी। भाई मंगल, शायद तुम्हें पता ना हो, बात थोड़ी गुस्से वाली है, पर पंचायत का मान रखते हुए अपने गुस्से पर काबू रखना। प्रधान जी, हम थारी बात की इज्जत रखेंगे, बताओ बात क्या है और हमें यहाँ किस लिए बुलवा? तुम्हें पप्पू और राजेंद्र की शादी के मसले के बारे में तो पता ही होगा। पता है जी, बढ़िया ढाल। इनके मामा ने ना इन दोनों भाइयों की जिंदगी में ऐसा बीज बो दिया, न तो वो काटा जा और न बाहर फेंका जा। इस बात का फैसला भी होना है आज। नाई का कहना है कि पप्पू की बातचीत तुम्हारे साले की छोरी यानी प्रीति से चल रही है। कौन सा यो नाई? यो तो खड़ा खुंटे सा। वो संभाल के बोले, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी। मैंने देखा था अपनी आंखों से। मंगल बैठ, 2 मिनट रुक, बैठो बैठो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रधान जी, मैं खून का खून करना भी जानू। हाँ मंगल ठीक है, थोड़ा बात को समझो। हाँ लाली तू बता, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस नाई को मुझे दे, इतने जूते मारूंगी, इसमें सारी सच्चाई उगल देगा ये।
तो उस दिन तू इसके साथ हंसते हुए क्यों जा रही थी? वाह, तेरी सोच का क्या कहना, जितना था उतना ही रह गया। कोई लड़की अगर थोड़ा हंस ले बोल ले तो तुम उस पे लाछन लगाओगे? मुझे लगा तुम्हारी कोई बात होगी। मुझे लगता है तू बावड़ा है। अगर तू किसी लड़की की इज्जत नहीं कर सकता, बेइज्जती तो मत कर। बता भाई झपटे, इसी बात को लेकर तू उस दिन छाती पीट रहा था ना पंचायत में, अब बता। हमसे तो इस नाई ने कहा था, इसने देखा दोनों को खेत से निकलते हुए। तुम एक झूठे आदमी की बातों पर आकर के पंचायत बिठा दोगे? छोरी जबान को लगाम दे, आवाज नीची कर। इस पंचायत ने हमेशा औरतों का सम्मान किया है, और तू इतनी नीच हरकत करके भी शेर बन रहा है, मर्द बन रहा है। प्रधान जी, होगी पंचायत पूरी? प्रीति तुम्हें लट लात उठाए। लाली रुक जा, भी इसकी सजा भी इसे जरूर मिलेगी, और अभी मिलेगी, अभी पंचायत का फैसला हुआ ना है। प्रधान जी जल्दी करो, मुझे खाल धरने दोनों की। बता बारे इंदर, उस दिन की शर्त याद है या भूल गया? अब तो तुझे पता लग गया ना कि पप्पू का इस छोरी से कोई लेना देना नहीं है। अब बहू हुई पूरी की पूरी पप्पू की। मैं चुप बैठा हूं तो मुझे कमजोर ना मानियो। इन सालों की वजह से मैं अपनी घरवाली क्यों खाऊं? जिन्होंने झूठ बोले और जिन्होंने पंचायत करवाई उनकी लुगाई खोज के दे दो पप्पू को। राजेंद्र की लुगाई को दे दे। कालू तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अकल ढेले भर की भी नहीं आई? अरे औरत कोई चीज होती है क्या? इसे दे दो, उसे दे दो, छीन लो, खोस लो। औरत के कई रूप होते हैं, माँ, बीवी, बहन, बुआ, चाची और ना जाने कितने। अरे तुम अपने परिवार वालों के लिए भी इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हो क्या? राजेंद्र भाई, उस दिन सर पर तुमने मंजूरी दी थी, अब तुम मुकर नहीं सकते। प्रधान जी मैं आपकी सारी बात मान लूंगा, पर मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। भाई राजेंद्र, इस बात की तुझे मुबारकबाद, भगवान तुझे स्वस्थ बच्चा दे और तेरी बीवी भी ठीक ठाक रहे। पर इस बात में इस बेचारे पप्पू की क्या गलती है? इसके तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। पर धान जी इसकी कोई गलती ना, मैं कुछ ना लग के वजह से पप्पू को अपना दुश्मन समझ बैठा था, पर आप बात मेरी समझ में आ गई है कि पप्पू की शादी ही इस बात का हल है। पप्पू की शादी होनी चाहिए, और जितना मेरे से खर्च बनेगा उससे ही ज्यादा करने की कोशिश करूंगा मैं। हो सकते भाई, जैसे तुमने राजेंद्र की शादी कराई ना, ऐसे बेचारे पप्पू की भी करा दो। इस काम के लिए मैं तुम्हें सिर्फ एक महीने का टाइम देता हूं। ठीक है प्रधान जी। प्रधान जी अब तो होगा फैसला, अब निकाल लो मैं अपने भड़ास। रुको मंगल भाई रुको, बैठो बैठो। झपट राम, तुम भी कान के कच्चे ही हो, लोगों की बातों में आके क्यों परेशानी बढ़ाते हो? प्रधान जी मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। छोरी माफी देर से भी मांगता हूँ। मेरे को भी माफ कर दो, मेरी गलती हो गई, मेरी माफ कर। हाँ चल चल ठीक है, चल भाग रहा हूँ। जल्दी कर, मैं चलो माफी गिर गई। अच्छा प्रधान जी तो हम भी चले। राम राम। ठीक है प्रधान जी। हमको निकम्मा बता रहा था, और प्रधान जी भी कुछ नहीं बोले, इनसे बदला जरूर लेंगे हम। नाश तो इनका अब हम करेंगे। अब राम डॉक्टर साहब आ गए।
देखो प्रेगनेंसी का केस है, इंजेक्शन लगा देता हूँ फिलहाल, इन्हें भी दर्द कम हो जाएगा। आप इन्हें अस्पताल ले जाना, महिला विशेषज्ञ को दिखाना। चलो डॉक्टर साहब, हम मैं छोड़ दूँ आप मरीज को देख लेंगे। ठीक है। तेरा काम है, मेरा काम है। दिन में तो मेरा काम है वो। आ गया आराम। ठीक है। हट। ये मेरा काम है, तेरा काम है। दिन में तो मेरी ही हो। कहने का दिन? अब बेमार है, अब दिन में भी मेरी है। ऐसा कैसा तेरी बाबू नहीं हो हाथ? मैं हैंग जब जब कह रहा हूँ। होगी। ठीक हो ना बाबू? ये तो अच्छा हुआ राजेंद्र के पप्पू के ब्याह का सांग खत्म होगा, बेचारे पप्पू की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। सही है बहन, पप्पू मुंह लटकाए घूमे जावा। ए भगवान ने यू भी ठीक करा, उस राजेंद्र की बहू का ज्यादा चोट तो ना आई, वह पेट से है। हाँ बहन, वो पेट से तो है, लेकिन यह है भगवान ने ये भी अच्छा करा, ब्याह तो लेट करा लेकिन बालक भी टाइम से दे दिया। तू चुप रह लिया कर। ए सुमित्रा, तन्ने क्या खा के पैदा किया था इसे? कसम ना चले तू यहाँ से, आ गया से चुप। ये छोटा सा बहुत तेज है। एक खून पी रखा इस औलाद ने, इसी पीछे तो इसके मामा के भेजा था, अब बड़ा हो गया छुट्टी छुट्टी मामा के रह आया होगा। और फिर सुबह तो इसका पापा छोड़ के आया इसे, शाम को उसका मामा ले आया उल्टा, अन्नू बोला मारे बस की ना आयो थामना। अभी बालक है, बड़ा होगा सुधर जाएगा। इसके बाप ने सर पे चढ़ा रखा, बाप का घना लाडला है यो। ले मिया दवाई खा ले, दवाई का टाइम होगा, उठो। आपको अच्छे से याद है ना कि शाम की दवा कौन सी है? देखो मैं पढ़े लिखे तो हूँ नहीं, पर डॉक्टर से निशान लगवा के लाया था तो गलती का तो सवाल ही नहीं। चल अब खा भी लेना। ऐसे की देख ली, ऐसे मत देख, मुझे शर्म आवे। अच्छा जी। हाँ भाभी, राम राम। राम राम। लो भाभी, मैं आपके लिए बिस्किट लाया था। ये तेरी बहन के, तो भाभी कह रहा। और क्या चाची कहूँ? ओए एक बात और सुन ले, तड़की मामा आ रहा तेरे ब्याह की खुशखबरी लेके, और उसने अपने बिहार वाले दोस्त से बात कर ली होगी, कहीं जाइए मत ना, उस तड़की आ लगे सवेरी। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस तू मेरा ब्याह करवा। जा क्या बनवा? हर बात सुन, देख अब से लग गया देवर भाभी की सेवा में, अब तू खैनी ना कहिए। लो इसे फेंक देना। बदला जरूर लेना सालों से, मेरा तो खून खोल रहा है। फंसेंगे साले एक दिन, एक बार तुक्का बैठ गया ना सीधा तो प्रधान को भी। वो देख शिकार को सामने से चल गया। जवानी तो इसमें भी खूब छा रही है, इससे भी तो बदला लिया जा सकता है। सुन, तेरे भाइयों को बहुत जी करे तेरा ब्याह कराने का, तेरा जीना करता जो हर रोज पंचायत जोड़ते फिरा है। जी तो बहुत है करा है हमारा, पर ब्याह कराने का नहीं। तो किस चीज का जी करे तेरा? तेरा जैसे कुत्ते का मुंह तोड़ने का, देख रहा है मार के।
वैसे तो मेरे भाई के दोस्त बने हो, वैसे इतना गिरवी हरकत करते हुए शर्म नहीं आता? शर्म तो बेच दी हमने, और जो शर्म बेच के सामान लाए ना उसका थोड़ा हिस्सा तुझको भी देंगे हम। हाथ में बंधे राखी की कसम खा के जाओ, आंसू का बदला खून से लेके आओगे। इज्जत है रानी इस घर की। तेरे कतले करते हो साले। रानी चुप हो जा। मेरी बहन को चढ़काओ। अरे अरे क्या करो तुम लोग राजेंद्र? अरे क्या कर रहे, क्यों मार रहे हैं इनको? मेरा घर की हट गया प्रधान जी ने। अरे छोड़ दो, तू चिंता मत कर, मैं अभी दरोगा को फोन कर रहा हूँ, सालों को अंदर करके खूब कुटाई करेंगे उनकी। अंदर नहीं, पीछे तो सीधे ऊपर भेजो मैं इन्हें। इन्होंने मेरी घर की इज्जत पर हाथ गिरा, इन्हें फोड़ूंगा चोर निकली भार दूंगा मैंने प्रधान जी। तू शांत हो जा, शांत, पुलिस अभी खूब कुटाई करेगी ना, अकल ठिकाने आ जाएगी इनके। बस चलो। बस मम्मा वे तो दोनों करवा दिए प्रधान जी ने अंदर, पर तू बता तुझे देर कहाँ लगी, तू तो तड़की आने वाला था। अरे आज गांव में पोलियो वाले आ रहे हैं, सारे बालकों को दो दो बूंद पिया के जब आया हूँ। तो फिर तो दशहरा होता ही, तेने रकात इतनी पाल रखी है, 12-13 से ऊपर हो रहे। हाँ दोनों भैया को मिला के डेढ़ दर्जन में एक कम है। तो एक ही कम क्यों है, इसे भी करो पूरा गिनती को। अरे घने वाला ठीक ना होते हैं मामा, ये बात तो पहले सोचनी ही, अब के फायदा, अब तो घने हो लिए। मामा तू इस सालों की दिवाला बंग, यू तेरा भी रिकॉर्ड तोड़ेगा, इस पे न थमा जा रहा। इसके ब्याह के चक्कर में 5-6 पंचायत होली। देख भाई ब्याह से तो आवे नहीं, बोटो चक्कर में वहाँ बहुत सख्ताई हो रही है। फिर कैसे होगा मामा? अब तो बंगाल से लानी पड़ेगी। मामा चाहे बंगाल से दिवाला या बांग्लादेश से दिवाला, पर यू हमारा काम करवा ही दे, क्योंकि हमारा आगे खर्चा बहुत होने वाला है। पर भाई एक दिक्कत है। वहाँ की दिक्कत है भाई, पैसा लग जाएगा 50,000 रुपये। मामा ये तो सही नहीं, दिक्कत फंसेगी। मीरा कैसी है अब? भाभी बिल्कुल ठीक है मामा, अभी तो तुम मेरी वाली की चिंता कर, मेरी वाली कैसे आवेगी? भाई 10,000 रुपये का जुगाड़ कर लो, 40,000 रुपये तो बैंक से लोन करवा दूंगा, कोई इससे ज्यादा होने का नहीं है। चल तो मामा लोन ही दिवा दे, इसे भी देखेंगे। साल भर में उतार दीजिए, एक साल का टाइम मिलेगा। बस मामा साल भर तो बहुत है, तू यो बता कब चलना बैंक में? अरे अभी बैंक की 2-3 दिन की छुट्टी सी है, उसके बाद चलेंगे। हाँ मामा जब तक हमारा भट्टे से भी पैसा आ जाएगा। हाँ कर लो इंतजाम। प्रधान जी राम राम। राम राम, क्या हाल है जगते? बस कृपा ऊपर वाले की। और कह रहा पप्पू के ब्याह का? बात चलते हैं बंगाल से, और रुपए लगेंगे 50,000, बस उसी के इंतजाम में लग रहे हैं। करो फिर, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दियो बेझिझक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। मामा पप्पू का ब्याह हो जा तो रानी के बारे में भी सोचो। अरे रानी के ब्याह के बारे में सोचने जरूरत ना, तुम्हें मैंने छोरा देख रखा, 18 पैसा लगा उसमें एक भी। क्यों मामा, कितने पैसे देगा तू भात में? अरे यार वे लोग दहेज के खिलाफ हैं, और मेरी उनसे बात पक्की हो रही है, मैंने किसी से बताया ना था, और लड़का बहुत सुंदर, परिवार बड़ा अच्छा है। मामा छोरियों के ब्याह में दिक्कत ना होती, दिक्कत तो छोरों के ब्याह में हो, छोरी की कमी पड़ जा, इस चक्कर में बेचारे जाने कितने कुंवारे रह जाए। भैया इसका सबसे बड़ा कारण यू है कि सबको चाहिए छोरा, छोरी तो कोई चाहता ही ना, पता लग जाए पेट में छोरी है तो वहीं मरवा दें। सही बात है, सही बात है।
तू भी पिएगा चाय? मैं फ्रूटी पीऊंगा। पैसे ना है मेरे पास खराब करने के लिए, चाय पीता हो तो लाओ। हल्की पोली के साथ बच्चा फ्री आया था, अपना अपना तो फ्रूटी पीती। तू थोड़ा बोल लिया कर, क्यों खून भी रखा तूने मारा? अरे सुन सुमित्रा, पप्पू के लिए उसका मामा बंगाल से बुला रहा। बंगाल से क्यों, बिहार से क्यों ना ला रहा? राजेंद्र की बहू तो बहुत अच्छी है। अरे बिहार में बहुत सत्ताएं चल रही है प्रशासन की, इसलिए बंगाल से लानी पड़ रही है, और पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं उसमें। ऐसा कितने लग रहे हैं? पूरे 50,000 रुपए। 50,000? पापा तुम गिनने के लाए थे? तू चुप बैठ जा, तुझे बताऊं अभी। अरे बैठ जा, ये तो बालक है, बोलता रहा वैसी। हाँ वो खास के पीछे पड़ी रहे। बालक बता रहे हो ना जिसे, ये बहुत चंट है, इसने सबके आगे बेइज्जती करवा रखी है। पापा तुम्हारे पास है 50,000? क्यों, मैं दूसरी लाऊं क्या? ना मैं तेरे लिए वाला हूँ। देऊं तुझे बनाऊं मैं? पता है क्यों किया था, जब यहाँ निकल सकते था। ये ऐसे बताओ तुझे ना भी। बालक बता रहे थे ना, दिखाओ अपन लोग। तू भी उड़ा ले मजाक, काम तो करने देती नहीं। बहू, ए राजेंद्र की बहू। माँ जी चाय बना दूं? अरे मैं तो सुबह ही नहा ली, कितनी बार नहाऊं? माँ चाय बना दूं? अरे जब मैं नहा ली थी तो तूने पानी गरम क्यों किया? माँ मैं चाय को कह रही हूँ, चाय को। अरे मैं सुबह ही नहा ली, मारूंगी सुसरी के, चाय की कह रही हूँ, सुन तो रही नहीं है, बहरी हो रही है। अरे 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 बहू सुन मेरी बात, मेरी बात सुन, तू एक कप चाय बना दे, मेरे चाय का टाइम हो रहा है। हैं? सुनी ना रही, बहरी हो गई ये तो। देख बे मामा, पैसे का इंतजाम तो हो गया। अरे तो कल चल तो रहे कलकत्ता। देख रहा जीजा, तेरे दोनों बालकों का ब्याह करवा दिया मैंने। ऐसा तो तूने राजेंद्र के ब्याह पे भी बोला था, पर करवाया तूने फजीता ही था। अरे उसमें तो थोड़ी सी गलती होगी थी, पर अब का ना होने की बिल्कुल भी गलती तो होएगी साले। देखता रह, तेरा किया हुआ काम अभी तक सही हुआ है कभी? अरे जीजा यू काम होगा सही होगा। मुझे तो सब लिख लिया है, तू कर, तुझे जो करना है होएगा, वही जो होना है मुझे सब मालूम है क्या होगा। अरे मामा पर बात किससे कर रहा? तेरे बापू सर। राजेंद्र तू मामा को वहीं सुवा दे, कदियो बापू दोरे ऊपर पहुंच जा, इसका तो मामला उबर हो लिया। ठीक करा, मैं तकिया लाऊं? हाँ चल उठा ही चलो। बेटे मेरे बेटे, तू मेरा बेटा है, तेरी शादी होगी। यहाँ पढ़। अरे मामा अब न रहता हमारा मुंह उतनी देर तक, जो उखाड़ना उखाड़ लिए, अरे चलिए अपने घर को चले जी।
बड़ी सोनी है रे तेरी बहू। तुझे क्या जलन हो रही? जलन तो हो रही है, पर तेरे से नहीं, तेरे बहू से, क्योंकि तू बहू इतनी सोनी ना है। अरे तू भी तो सोनी है मेरे चांद। रानी बहू को अंदर ले चल, लंबा सफर करके आई है, थक गई होगी। हाँ चलिए। क्या है नैना? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी कभी होगी, पर नैना मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पाकर। हाँ और नैना, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें 50,000 रुपए में क्यों बेच दिया? कोई भी बाप किसी भी बेटी को कभी नहीं बेचता, हर बाप की कोई ना कोई मजबूरी रहती है। मेरे बाबा की भी मजबूरी थी, मेरे माँ की बीमारी के इलाज के लिए मेरे बाबा को बहुत कर्जा हो गया था। उसी कर्जा को चुकाने के लिए मेरे बाबा को ऐसा करना पड़ा, वरना मेरे बाबा कभी ऐसा नहीं करते। नैना, हम गरीबों की पेच यहीं आकर तो फंसती है। कमाई कम, खर्चा ज़्यादा और ऊपर से ये कर्जा, सारी जिंदगी इसी में निकल जाती है कि कर्जा कैसे चुकाएं। चिंता मत करो जी, माँ काली सब ठीक करेगा। क्या बात है भाभी, बड़े जोरों शोरों से सेवा चल रही है। ओ दादा, ये हमार पोती है, इनकी सेवा हम नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम ही ना करेगा। हाँ बिल्कुल। अरे आ भाई पप्पू, जल्दी आ यार, देर हो गई। आज आया, शाम को मासी दवाई आनी है, आज आते ही लेके आवेंगे। अरे भाई पीपल लाओ यार, मुझे वैसे ही लेट हो रहे हैं। भाभियों के लिए भी ले आया करो कभी कुछ। हाँ ले आएंगे, हमें ना चाहिए कुछ, बस माँ जी ठीक हो जाए। पता है भाभी, जब बाप दोनों नहीं थे ना, तो हमें लगता था हमारे जाने के बाद इस घर का ख्याल कौन रखेगा, पर अब आप आ गए ना, हमें कोई चिंता नहीं है। साफ साफ बोलती क्यों ना कि अब शादी का नंबर तेरा है। और नहीं के चल जाएगा हूँ मैं। सब सही चल रहा है, सब की ना पूछ रहे हम, जिसकी पूछ रहे उसकी बता। राजेंद्र की बहू के बाढ़ होने वाला है, और पप्पू के ब्याह को भी 3 महीना हो लिया। अच्छा, और कोई खास खबर? और कोई खास खबर ना भैया, तुम बताओ तुम्हारी जेल में कैसी कटी? अरे भैया कुछ काम ही ना था, खाली सोए और रोटी पाड़ी। जेल में मौज काट के आ रहे हो दोनों। अगली बार तू भी चल लिए ना भैया, मैं तो यहीं ठीक हूँ। भाई कर्जे का कैसे करना है? वही तो सोच रहा हूँ, बिना बड़ा हाथ मारे काम नहीं बनने का। सेरा भाई का पैसा कब तक मिलेगा? भाई अभी तो आया है, 10 दिन का टाइम दो। कोई टाइम नहीं मिलेगा, बहुत टाइम दे चुके। भाई अभी तो आया है, 10 दिन का टाइम दो, कैसे भी करके लौटा देंगे। 10 दिन के अंदर पैसा नहीं मिला तो जान से मार दूंगा, लाश का भी पता नहीं चलेगा। 10 दिन में पैसा मिल जाना चाहिए। कुछ सोचा यार, टाइम से 10 दिन का ही है। चल कुछ सोचते हैं, कुछ
रहो ना आज के दुश्मन, कुछ काम वाम करवा लेकर अपनी भाभी की गल। अभी खाट तोड़ने का काम है इसमें तो। अब तो लगा है सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। क्यों के भैया? बड़ी वाली भाभी का तो बालक होने वाला, तो वो तो खाट पर लेट जावेगी। और रही छोटी वाली भाभी की बात, इसे तो बैंक वाले ले जावेंगे। तू पागल हो गई क्या? बैंक वाले क्यों ले जाएंगे? ये तो अंग्रेजी में लिखा होगा। हिंदी में होता तो कौन सा पढ़ लेते तुम। बैंक वाले आए थे, देख गए ही हो। जब से तुमने लोन लिया है उनका एक रुपया भी वापस ना करा है। एक महीने का टाइम दे के गए हैं वो, या तो उनके पैसे वापस कर दो नहीं तो पप्पू भैया की बहू को ले जावेंगे। अरे यार मामा को बुलाओ, कोई करवावा कोई जुगाड़, न्यू सर पे हाथ धरने से फायदा ना कुछ। बुला मामा को कल ही। ठीक है। मैं बता ही दे रहा हूँ, जान ले लूंगा या दे दूंगा, लेकिन अपनी वाली को किसी के साथ जाने नहीं दूंगा। अरे बेटा तुझसे गुस्सा क्यों रहा है? आ जा, बैठ। हाँ बैठ आराम से, पहले हाँ बैठ। देख कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चल तो रहे बैंक में हूँ। और मामा जो बैंक वाले ना माने तो? अरे सब मान जाएंगे। एक महीने का टाइम है, कैसा होगा जुगाड़? पूरे 50,000 लिख रखे। भाई पहले तुम यूँ बताओ, तुमने किस्त माफ ना करी एक भी? अरे कहाँ से कर दे, इतने पैसे की बुढ़िया की दवाई जा। हाँ और वो जो तू अपनी बहू को फल खिला रहा, सेब संतरे कीवी सीरी, उसमें तो पैसे लग रहे हैं। ओ बावली पूछ, उसको खवाना जरूरी है, वो पेट से है। यूँ क्या समझेगा? अबे अच्छी खुवाई पाई होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा, बीमारी से दूर रहेगा। इसे तो मैं सुबह से ठाव बैठा हूँ, तेरी बात देख रहे थे, तू आया दोपहर में। अरे लग जा कभी तेरे कभी कभी। अरे मामा तने रखा थी घर में, तीन जोड़ रखी, देर तो लगती। अब यहाँ बैठ कर बकवास करो, खड़े हो रहे, बैंक चल रहे हैं, वहीं जाकर बात करेंगे। अरे तू क्यों चिंता कर रहा, पैसे का जुगाड़ हो जाएगा, बैंक वाले ना माने तो क्या होगा? मामा बैंक वाले को पैसे लेकर आएंगे तो मामा मैं क्या करूं, मैं जहर खा लूंगा जो बैंक वाले मेरी लुगाई ले गए तो। अरे तू तो कतई बावड़ा हो लिया, ऐसा कुछ ना होवे। मामा एक काम तो हो सके के? वो जो हमारी बांगर वाली आधा बीघे वाली धरती है, वो झपटे से लगी हुई है, उसे पिछले साल खरीदने की बात कर रहा था। फिर उस टाइम पे तो मैंने मना कर दी थी क्योंकि हमें पैसे की जरूरत ना थी, और अब हम उसे बेच दे तो हमारा काम बन सके। और वैसे भी उस खेत में होता भी तो कुछ ना, रेत का तो जंगल है वो। तो फिर कल झपटे से बात, और हाँ पैसे जो है ना ठीक ठाक मांगिए। बस पिछले साल मामा 60,000 रुपये कह रहा था, और अब मिल के बात कर लेंगे। ना का पढ़ाई लिखाई नहीं किसी की नहीं सोचते, ना गरीब देखते ना अमीर देखते। अरे मेरी गरीब की बहू को भी ले जाने को तैयार बैठे, नाश जागा इनका, मैं क्या करूं? बता मैं क्या करूं? अरे वो रघुवीर के साथ भी तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने लोन पे बैंक वाले तो मोटरसाइकिल ले ली, टेम पे किस्त ना दे पाए, उनकी मोटरसाइकिल भी ले गए और सोने का ट्रैक्टर भी ले गए, पिछले साल की तो बात है। बता चाची के करें, मेरे भैया का तो जीना मरना एक सा हो रहा, दो दो ब्याह लिए सुख एक का बिना, दुखी भोग रहा बेचारा। चाची हमारे घर का खर्चा ज्यादा है और कमाई कम। बेटा ये बात तो तुम्हें लोन लेने से पहले सोचनी थी। पहले खर्चा ही कहा था, खर्चा तो पप्पू के ब्याह के बाद बढ़ा है। कमा के लायो मेरा पोती, खाने को चाहिए रसगुल्ला तुम्हें, और कहती हो खर्चा बढ़ाया हमने। हमने कब बोला कि तुमने खर्चा बढ़ाया? तुम ही तो बोली कि पप्पू के ब्याह के बाद खर्चा बढ़ गया। भाभी क्यों धुम्मा छोड़ने को हो रहा? भाभी नू ना कह रही कि तुम्हारे आने से खर्चा बढ़ गया, भाभी तो नू कह रही कि अम्मा की दवाइयों का खर्चा बढ़ गया। तो भालो छे बहू बैठ जा, उनका ना पता भी किस टाइम लाओगे। मुझे तो कुछ ऐसा लगा है बैग में झगड़ा हो गया। चाची हमारे तो वो बहुत गुस्से वाले हैं। वो सुबह ही बोल के गए हैं कि आज बैंक वाले को हड्डी पसली तोड़ के आऊंगा। यार
एक स्कीम आ रही है हमारे दिमाग में। अगर तू कहे तो हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और बदला भी पूरा हो जाएगा। हाँ बता, मेरा भी दिमाग खराब हो गया सोच सोच के। प्रधान के छोरे को उठा लेते हैं और फिरौती लेंगे कम से कम 5 लाख। सही कह रहा है, 2 लाख देंगे सेहरा को और 3 लाख रखेंगे जेब में। काफी कमा रखा होगा प्रधान ने तो। फिर बदला कैसे उतरेगा? गांव में यो बात फैला देंगे कि लोन तारने के चक्कर में राजेंद्र और पप्पू ने खेला यो खेल। अरे वाह, क्या कह रहे तेरे दिमाग के। क्या जरूरत है उसको 2 लाख देने की, पूरे 5 के 5 लाख रखते हैं और हो जाते हैं चंपत। वैसे भी के धरा है यहाँ पे। ठीक है फिर, करो तैयारी, कल से ही लग जाओ प्रधान के छोरे के पीछे। अरे कल किसने देखा है, आज से ही। देख भाई, पुलिया से ट्यूशन जावे है प्रधान का छोरा। किसके? रमेश की बहू है ना, मास्टर नी, उसके दौरे। रमेश की बहू भी कति काची से लगे जब चले स्कूटी बैठ के। रमेश की बहू को छोड़, अभी प्रधान के छोरे के बारे में बात कर। हाँ बता। पुलिया से उठाएंगे उसके छोरे को। और रखेंगे कहाँ? वहीं अपने अड्डे पे। हाँ, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं। और चिट्ठी मैं किसी भी तरह पहुँचा दूंगा प्रधान तक, फिरौती की रकम की। ठीक है, चल चलते हैं। आने दो फॉर्म। डॉक्टर तो पहले ही मना कर चुका है। हाँ, तो भी मेरे साथ चल। अगर बाबा ने कुछ सामान लाने को कहा तो तू सामान लेने चले जाना, मैं बाबा को लेकर माँ के पास आ जाऊंगा। हाँ हाँ, जल्दी कर। और रानी, तुम आगे ख्याल रखियो, हम अभी आ रहे हैं। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? अम्मा, अम्मा प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, आप यहाँ हो? प्रधान जी, गुल्ली 9 बजे से ट्यूशन गया है, 10 बजे तक आ जाता था पर अभी तक नहीं आया, 1 बज गया है। अरे आ जाएगा, खेल रहा होगा बालकों के साथ कहीं। नहीं, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, अभी तक नहीं आया। तू चिंता मत कर, आ जाएगा। चलो प्रधान जी, ढूंढते हैं कहाँ है हमारा बेटा। चलेंगे, जरा खेतों में पानी तो लगवा दूं। नहीं चलो, अभी चलो। तू देख ली भैया, पानी लगा ली तू। चलो देखो भाई, ये जो पुलिया दिए हैं इससे तो पूरी तरह ठीक नहीं होगा।
पर पूरी तरह ठीक करने के लिए जो पत्ता हमने बताया है उसको देना बहुत जरूरी है। ठीक है वैद्य जी, कल सुबह ले आऊंगे हम। ये तो शुक्र करो हमारे इलाके में ये पत्ता है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती। वैद्य जी आप कहो तो अभी ले आए। नहीं, ये जो पुड़िया दी है, ये जो दवाई दी है, इसको खाने के 24 घंटा बाद देना होता है। पत्ता सुबह ही लाना क्योंकि इसको ताजा देना पड़ता है। ठीक है वैद्य जी। पप्पू जा वैद्य जी को छोड़ दो। ठीक है चलो वैद्य जी। ठीक है वैद्य जी। अरे तुम यहाँ बैठे हो, कहाँ है मेरा गुल्ली? सुमित्रा, गुल्ली का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ पता नहीं चल रहा? जाओ ढूंढो मेरे गुल्ली को, कुछ खाया भी नहीं है सुबह से उसने। तू चिंता मत कर, अभी जाओ। मैं जा रहा हूँ। जाओ आओ, चलते हैं ढूंढते हैं उसे। यार तुमने मेरे गुल्ली को देखा? ट्यूशन गया था, तब से वापस ही नहीं आया। चाचा वो कभी बालकों के साथ अमरूद खाना चला जा रहा है झुलडन के खेत में। यार मैं वहां भी देखा आया, वहां पर भी नहीं है वो। पथवारे में तो आ गया प्रधान जी, आजकल गांव के बालक वहां पे गेंद खेलने जावे। वहां भी नहीं है, मैं वहां पर भी देखा आया। प्रधान जी एक बात सुनो, राजेंद्र और पप्पू ने कुछ गड़बड़ कराई है। हमें तो ऐसा लगता है क्योंकि उन्हें पैसों की भी जरूरत थी लोन चुकाने के लिए। ओए लपेटे, फालतू मत ना बोल। राजेंद्र तो पैसों के चक्कर में जमीन लिखवाने के लिए आ रहा है। दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं, झूठ सच बोल के गांव में लड़ाई करवाओगा के? वो ऐसे आदमी नहीं है और उनकी रकम भी इतनी बड़ी नहीं है जो उनको ये काम करना पड़ेगा। वो अच्छे लोग हैं प्रधान जी, आप दिक्कत ना लो, यही कहीं होगा, हम पता करवाते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है चलो। प्रधान जी, दरोगा जी ने कुछ कहा? दरोगा जी ने कहा 24 घंटे इंतजार करो, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। है मेरे लाल का है तू? लेकिन मेरे कहने पर ना उन्होंने कुछ पुलिस वाले इलाके में लगा दिए काम पर। रिश्तेदारियों में तो पता करा लेते हैं भैया, सब जगह पता करा लिया मगर कहीं कुछ पता नहीं चलता। मत रो मेरी बहन, हमारा गुल्ली आ जाएगा। दो दिन आगे पाँच की जगह 10 दे दीजिए, मुझे मेरा गुल्ली चाहिए, गुल्ली के पापा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ, इसमें जगह और समय दोनों लिखा हुआ है। कल दोपहर 12 बजे के बाद शहर के बाहर पैसे रख के आने हैं और 2 घंटे तक कोई भी गांव से बाहर ना जाए, तब हमारा गुल्ली घर पे आएगा। पुलिस को खबर की प्रधान जी? इसमें लिखा है अगर पुलिस को बता दिया तो हमारे गुल्ली को जान संवार देंगे। प्रधान जी एक बार गुल्ली घर आ जाए चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ेंगे नहीं। देख लेंगे। यार पप्पू, प्रधान जी का छोरा ठाल लिया किसी ने, पर पता नहीं चल रहा किसने ठाया। मुझे पता कौन हो सके। कौन हो सके? गांव के दो ही लोग हैं, लपेटा और कालू। एक दिन सेरा के आदमी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे, 2 लाख रुपए उधार है उनपे। सही कह रहा तू, वे कल से साले दिखाई में दे रहे हैं। यार राजेंद्र, मेरा पेड़। राजेंद्र मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। अरे यहाँ कौन आता है, हम भी कई सालों बाद आए, कभी बचपन में बेर खाया आने करते थे, अब होगा कोई कौवा पौवा या पक्षी। हाँ कोई पंछी वंछी होगा। ले भाई यूरा पेड़, चल तोड़ पत्ते। यार आवाज तो सही में आ रही है, और किसी बच्चे से की आ रही है। चल देखे क्या। चल चल।
कोई बच्चा है। कोई हो ना हो जरूर प्रधान जी का छोरा होगा। भाई के पता भगवान ने आज के लिए हमें ताकत दी हो प्रधान के छोरे को बचाने के लिए, इसे बचा के ले जाएंगे आज। ठीक है चल। रख ली पैसे प्रधान जी? हाँ भाई। अकेले मत जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भाई उन्होंने अकेले आने के ही बोला है। फिर भी प्रधान जी हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। प्रधान जी बात मानिए, खतरा हो सकता है। प्रधान जी प्रधान जी ये पड़े पे गुंडे, मैंने इनको इतना पिटा कि तीन दिन से पहले होश नहीं आने गए ना। और सुनो, ये वीर बन्नी जैसे बड़ों वाले अपने आप को बदमाश मान रहे हैं, ऐसे आदमी से तो मैं बड़ा बदमाश हूँ, क्योंकि मैं भी टॉप पर है। कभी इन सालों को मैं पूरी जिंदगी जेल से बाहर आने न देने का हूँ। मारो साले न हो। ना 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 ना। पुलिस आने वाली है, इनकी खातिरदारी वही करेगी बढ़िया। अरे कहाँ चला पप्पू? प्रधान जी मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, मैं तो घर जा रहा हूँ। अरे एक मिनट बात तो सुन। हाँ बोलो प्रधान जी। भाई राजेंद्र, तुम दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे गुल्ली की जान बचाई। अरे तुम्हें भी तो चोट लग सकती थी। अजी हाँ, ऐसे ऐसे बदमाशों की तो मैं चुट मसल दूं। प्रधान जी मेरा वजन ही कम है, बदमाश बहुत ठा रहा हूं मैं, मुझे हल्के मत लिए। अरे उस्ताद बच्चे हल्के मैं ले रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम दोनों ने मिलकर जो गुल्ली की जान बचाई है ना भाई, मैं उसका एहसान तो नहीं उतार सकता, मगर तुम्हारे लोन की दिक्कत जरूर खत्म कर सकता हूँ। लोन के 50,000 रुपये मैं दूंगा। झपके भाई, खेत बेचना कैंसिल। जुगाड़ी